भगवान की है आरती, अभियों को आप से है Yeah, yeah, yeah.
ओम ज्ञानतिमिरामन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबलाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति व्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जगं प्रभजन्तमनुपेतमभेदकृष्टं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री मात भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात नरसिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमती राधा रानी की जन्म की कथा। कुछ कुछ लोगों का प्रश्न ही आप लोग इतने राधे 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 बोलते हो, कहती है श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है पर इसमें राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं दी गई, इसमें से राधा जी का नाम होनी चाहिए ना। लेकिन हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण। मतलब है अगर भागवत का रहस्य समझना चाहते हो बोले किसकी आनुगत्य में जानी चाहिए, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की आनुगत्य में अगर पढ़ोगे ना, पर भागवत में तो बोले राधा ही दिखेगा और तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं है। इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए जो भागवत ग्रंथ है ये राधा रानी की ग्रंथ है और उसका ग्रंथ नहीं है। किसकी ग्रंथ है, श्री राधा जी की ग्रंथ है। क्योंकि ये ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम, बोले श्रीमद् मतलब क्या, बोले श्री मतलब श्री राधा रानी, मत मतलब होता है प्रेम। हम कितना भैया मत पी करके मत वाला हो गया, इसलिए ये राधा रानी कहते कृष्ण प्रेम में जब मतवाला बन जाती है, जब वो कृष्ण प्रेम को लुटाती है, बोले ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके जो कृष्ण भक्ति को जो लुटा रही है ये श्रीमद् भागवत है। जैसे भागवत का प्रथम श्लोक है बोले जन्मादस्य चतुर्नयाधितरतश्च, कहते साधारण लोग ये श्लोक को क्या व्याख्या करते हैं, बोले ये सत्यम परम धीमहि, कहते ये परम सत्य कौन है, बोले भगवान कृष्ण, ये परम कृष्ण भगवान कृष्ण है। लेकिन हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं केवल कृष्ण ही परम सत्य नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो पराम सत्य है बोले देवी कृष्णमयी प्रभुता राधिका परादेवता, ये जो राधा रानी की कृष्ण की पराशक्ति श्री राधा रानी, इसलिए कृष्ण राधा की बगैर कृष्ण आधा है। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, करते करते ये बहुला वन में पहुंचे, देखा एक तोता और मैना में लड़ाई हो रही है, ये तोता ने ले लिया कृष्ण। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है, बोलो कृष्ण का शक्ति कौन, राधा रानी। फिर गिरिराज उठाया किसने, गिरिराज उठाया किसने, राधा रानी। इसलिए ब्रजवासी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर ये उठा, बोले श्री राधा रानी की। इसलिए तोता कहता है कहते मेरे श्याम सुंदर तो सर के ऊपर मोर पंखा धारण किया, मैना कहती है तेरे को पता है ये मोर पंखा क्यों धारण करता है, बोले क्यों, बोले उसमें हमारे श्री राधा जी का नाम लिखा हुआ है, मोर पंखे में श्री किशोर जी के नाम लिखा हुआ इसलिए वो मोर पंखा धारण करता है। तोता कहता है मेरे श्याम सुंदर देखना कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, उनका जो सर है ना इस तरफ बाम तरफ में ऐसे झुके हुए। तोता कहता है मेरे कृष्ण तो बाम तरफ में झुके रहते हैं, मैना कहती क्यों ये बाम तरफ में क्यों झुके हुए रहते हैं, झुके श्री बाम तरफ में श्री किशोरी जी खड़ी हुई है, इसलिए राधा जी के चरण को पाने के लिए श्री श्याम सुंदर अपना सर को बाम तरफ में झुका करके रखे। तोता कहता है कृष्ण मेरे कदम वृक्षों को नीचे बंसुरी बजाते हैं, मैना कहते तुमको पता है ये कदम वृक्षों को नीचे क्यों बंसुरी बजाते हैं, कहते वृंदावन में दो वृक्ष है एक कदम वृक्ष और एक तमाल वृक्ष, आप देखना कृष्ण जैसे काले ये तमाल वृक्ष भी वैसे काले और राधा जी जैसे गोरी ये कदम वृक्ष भी ऐसे गोरी, इसलिए ये कदम वृक्षों को राधा जी के स्वरूप मानी गई।
रोज राधा रानी को कदम वृक्ष पर बिछाती है, इसलिए श्री श्याम सुंदर हर समय वो कदम वृक्ष पर नीचे खड़े होकर के प्रभु जी बंसरी बजाते हैं, हैं? इसलिए भागवत का जो पहला श्लोक को व्याख्या किया बोले सत्यं परम धीमहि, इसलिए भगवान की जो पराशक्ति कौन है बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए भागवत का जो प्रथम श्लोक है बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्पल मल्लिका भिक्षरन तुमनश्चक्रे जोग मायां उपासिता। अब कभी वृंदावन में कभी रास देखने के लिए जाओगे ना, देखोगे वहां पर श्री राधा रानी सिंहासन में बैठ गए थे। अभी रास प्रारंभ होएगी तब कृष्ण जा करके राधा जी से प्रार्थना करते हैं, बोले हे ईश्वरियो रास को प्रारंभ होने वाली है, आप कृपया रास में पधारो, क्योंकि रासेश्वरी कौन है श्रीमती राधा रानी, राधा जी के बगैर ये रास असंभव है। इसलिए रास होते समय जब श्री राधा रानी छोड़ करके चली गई रास को, ये रास टूट गया। कृष्ण वहां पर थे, चंद्रावली में थी, सबके सब थे, लेकिन राधा रानी चली गई तो रास टूट गई। इसलिए राधा जी के बगैर रास असंभव है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास लीला को प्रारंभ कर रहे हैं तब उन्होंने श्री जोग माया उपासरिता, मूल जोग माया कौन बोले श्री राधा रानी, बोले राधा जी को आश्रय करते हुए ये रास होता है। इसलिए भागवत में हर जगह में देखोगे श्री राधा जी का, राधा जी का, राधा जी का नाम सर्वत्र श्री राधा जी का नाम है, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए कल हम लोग ने श्री राधा रानी की जन्म उत्सव की कथा करते थे। कुछ लोग कहते हैं बोले भागवत में राधा जी का जन्म की कथा कहाँ है, आप राधा जी की जन्म कथा बोलते हो, बोले जब कृष्ण जन्म हुए तब श्री सुखदेव गोस्वामी 18 श्लोक में तब कृष्ण की जन्म उत्सव को वर्णना कर रहे हैं। वो वर्णना करते करते श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले रमा क्रीड़ा अभूत नृप, बोले हे परी जब कृष्ण जन्म हुए कभी ये वृंदावन धाम क्या हो गया, बोले राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बनी गई श्री राधा रानी की वृंदावन धाम, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में राधा जी का नाम की उल्लेख कर देते हैं और राधा रानी की जन्म कथा को बता देते हैं। क्यों बोले स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बोले, बोले राधा रानी स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी को आदेश दिया खबरदार मेरे नाम को कहीं स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके लिया करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी राधा जी का नाम को नहीं लिए। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण सर्वप्रथम पुतना को मारे, किसको मारे बताओ, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे, कौन बोलेगा हाथ उठा, राम किसको मारे सबसे पहले, कौन बोलेगा हाथ उठा, ताड़का को मारे, भगवान कृष्ण सबसे किसको मारे पुतना को। देखो क्यों दोनों प्रभु एक ही लीला करते हैं, बोलिए पुतना का मतलब क्या, बोले पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो पवित्र नहीं, बोले भगवान शिक्षा देते हैं अगर मेरे को हृदय में बैठना चाहते हो पहले ये गंदगी को हटाओ, पहले अपवित्र को हटाओ तभी मेरे को बैठा सकते हो। राम मारे ताड़का को, बोले ताड़का मतलब क्या है, बोले ताड़ा यति इति ताड़का, जीव को जो भगाता है, जीव को जो भगाता रहता है, बोले जीव को कौन भगा रहे हैं, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही जीव को भगाता रहता है। इसलिए भगवान राम ने क्या किया, पहले ताड़का को मारे, मतलब जो हमें हर समय भगाता है पहले उसको खत्म करो, बोले ताड़का ये भी तीन अक्षर है, बोले पुतना ये भी तीन अक्षर है, पुतना भी स्त्री और ताड़का भी स्त्री, इसलिए दोनों प्रभु एक ही चीज शिक्षा देते हैं, भैया मेरे को हृदय में बैठा ना तो पहले हृदय को साफ सुथरा बना। अभी प्रश्न है
कृष्ण 6 दिन में क्यों पुतना को मारे? कितना दिन में मारे पुतना? 6 दिन में। बोले 6 दिन में क्यों मारे? इसका रहस्य बताए, जब कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर थे, बोले भूषणां भूषणांग में, हम भूषण क्यों धारण करते हैं? अलग धार सुंदरता के लिए। लेकिन कृष्ण क्यों भूषण धारण करते हैं? बोले कृष्ण की सुंदरता के लिए नहीं, वो भूषण का सुंदरता बन जाती गैर की। कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण, बोले सुंदर किम असुंदरम, उसमें असुंदर कुछ है ही नहीं। कृष्ण इतने सुंदर, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, कोटि काम देवी भगवान के सामने लज्जित तो हो जाता है, कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण। जब कृष्ण जन्म हुए, ब्रज में हल्ला हो गया घर घर में, बोले नंद बाबा क्या क्या सुंदर लाला भाई भाई, बड़ा सुंदर बच्चा। पहले पहले नियम था, किसी घर में 21 दिन, किसी घर में 31 दिन तक माताएं घर से नहीं निकलती थी, वो अपवित्र रहती थी, अंदर में कंडा जला करके सेकाई जला करती थी, वो बच्चे को बाहर नहीं निकला करते थे, किसको छूते नहीं थे, हैं? कहीं 21 दिन और कहीं 31 दिन तक कैसे करते थे। कृष्ण जब जन्म हुए, लेकिन अंदर में कोई पुरुष लोगों का प्रवेश वर्जित था, केवल अंदर में माताएं ही प्रवेश करते थे। अभी ब्रज में हल्ला हो गया, कृष्ण इतने सुंदर इतने सुंदर, अभी सारे ब्रजवासी को मन में इच्छा हो रहा है, कब हम कृष्ण को देखें, कब कृष्ण को देखें, कब कृष्ण को देखें। भगवान भक्त वत्सल है, ठाकुर जी भक्त वत्सलता है, इसलिए कृष्ण ने पुतना को बुला लिया। पुतना तो स्त्री थी, अंदर में घुस करके और कृष्ण को पकड़ करके बाहर ले गई। जब बाहर ले गई, हल्ला हो गया, भैया ये कहां से एक राक्षसी आई और कृष्ण को पकड़ करके उसने बाहर ले ली। अभी सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, पुतना पुतना बोलकर इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए, बस कृष्ण का दर्शन हो गया, अपने आप कृष्ण 6 दिन में ब्रजवासियों ने कृष्ण दर्शन सबके सब हो गए। इसलिए कृष्ण 6 दिन में उन्होंने पुतना को बुला कर, उन्होंने अपने आप को 6 दिन में तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और पुतना निकाल कर ले गई, सबका दर्शन हो गया। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। उसको बाद में जो पुतना आ गई, नंद बाबा गए हुए थे कंस को पास में कर देने के लिए, बड़े दिनों से उन्होंने कर नहीं दिए। क्यों? बोले घर में तो कोई छुरा है, किसके लिए पैसे कमाओ, इसलिए बड़े उदास थे, मरने के बाद तो कोई है नहीं। लेकिन जब कृष्ण घर में जन्म हो गए, फिर नंद बाबा को बड़े बड़े स्वप्न देखने लग गए, लाला बड़ा होगा, लाला की शादी होगी, घर में बहू आएगी, नुपुर बांध कर छमछम करके चलेगी, फिर नाती पोते होएंगे। अभी देखा, भैया कंस तो बड़ा दुष्ट है, पहले कंस का मुंह को पहले चुप करा, इसलिए बड़े दिनों से कर नहीं दिए थे, वो कर देने के लिए गए थे कहां? मथुरा। जब मथुरा गए, अभी वसुदेव महाराज गुप्तचर के द्वारा सारे बात को पता लगा रहे हैं। गुप्तचर ने बोल दिया, पुतना को कंस भेज दिया, ये पुतना गई, बोले 1 महीना के अंदर में कहीं भी बच्चे जन्म होगा उसको मार करके आओ। इतने में वसुदेव महाराज तो घबरा गए। जब नंद बाबा वसुदेव से मिले, वसुदेव ने बोले, नंदा ज्यादा समय मत रहा करो, तू अभी अभी जल्दी जल्दी चले जा गोकुल में, हो सकता है कोई अनहोनी हो सकती, कि उनको पता ना पुतना गई है। सचमुच से नंद बाबा जब आए, उनको पता चला ये पुतना है। पहले तो बड़ी सुंदरी बन करके आई थी और निकली राक्षसी। नंद बाबा ने बोल दिया, खबरदार एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, कड़ी पहरादार लगा दिया। इतने में श्री भोले बाबा दर्शन करने के लिए आए, वो सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन शंकर जी का जो ड्रेस आपको पता, बड़ा भयंकर ड्रेस है, बड़े भयंकर उनका ड्रेस है, सारा शरीर में सांप बिच्छू लटक रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं शरीर में राख मले हुए, और अलख निरंजन करते करते आ गए। बोले हमें लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी और वो तो बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, और तू देखने में वैसे लग रहे हो, लाला के दर्शन नहीं होगी, सोना चांदी जो कुछ लेना लो और अपना रास्ता देखो। मैया को बोल दी,
मैया देख करके डर गई। मैया को कृष्ण को तुम कोने में लेकर के छुपा दी। इतने में शंकर जी वहीं पर बैठे करके प्रभु को ध्यान करने लगे। बोले हे प्रभु, तेरे लीला हमने सब कुछ लीला देखा, लेकिन तू भगवान हो करके अगर मच्छर काटे ना तो भगा नहीं पाते, रोते हो। भूख लगे तो बोल नहीं पाते हो, रोते हो। फिर मैया तुम्हें दूध पिलाती है। विश्व ब्रह्मांड को जो संसार से उधार करने वाली मैया अंगुल पकड़ करके ठुमक ठुमक करके चलना सिखाती है। प्रभु ये लीला हमने कभी नहीं देखा, एक झलक दर्शन करा दे। इतने में कृष्ण शंकर जी को दर्शन देने के लिए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और जितने थपथप लगा करके मनाए उतना जोर से रोए, पूरा परिवार थक गई। बोले क्या हो गया लाला की, रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोली, भैया वो जो बाबा ना वही त्रिशूल गार करके बैठा हुआ, कहते लाला को जब तक दर्शन नहीं कराओगे जाने वाला नहीं, लगता है आंख बंद करके कोई जादू टोना कर रहा है, लाला को दर्शन करा दे। मैया ने बोल दी, देख बाबा मेरे लाला को मैं कभी घर से नहीं निकालूंगी, तो यही बैठे रह जा। मेरे चार दरवाजा है, पीछे दरवाजे से निकाल लूंगी। शंकर जी बोले चिंता नहीं, मैं चार रूप लेकर के चार दरवाजे में बैठ जाऊंगा, कभी तो लाला को निकालोगे, मैं दर्शन जरूर करूंगा। मैया तो चक्कर में पड़ गई, बाबा कहते चार रूप लेकर के चार दरवाजे में बैठेगा। फिर तो काले कपड़े से ओढ़ करके, काला धागा गले में बांध करके, मोटी मोटी काजल लगा करके, काजल का बूंद लगा करके बड़ी कष्ट से कृष्ण को दर्शन दी। एक झलक दर्शन देते ही शंकर जी तो खिलखिला करके, शंकर जी जो हंस रहे थे रोने लग गए, कृष्ण जो रो रहे थे ना फिर हंसना शुरू कर दिए। मैया समझ गई कि बाबा को जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना ले लिया और अपना हंसना दे दिया। अगर माता को पता चलेगा कि बाबा को कुछ जादू पढ़ाने का हाथ देखना था, सब घेर जाते। बोले बाबा तुम मेरा हाथ देख लो, बाबा फरक के हाथ देख लो। अभी सबके सब घेर गए शंकर जी को। बोले बाबा तेरे को कोई जादू टोना आता कि ना? बोले हाँ बढ़िया जादू टोना आता है। बोले मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले एक काम करोगे ना, कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे क्या करना पड़ेगा। बोले जब जब लाला को स्नान कराओगे, उस स्नान का जो पानी ला करके मेरे सर पर डालना। बोले बाबा कर लो, और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगी। बोले बता दे। बोले तेरे लाला का जो भोजन कराओगे, जो बच जाएगा उसको ला करके मेरे को दे देना, देखना कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बाबा सो कर लूंगा। अभी भी आप जाओगे नंदगांव में, अभी भी वही प्रथा है। सबसे पहले प्रभु की चरणा में तो शंकर जी के सर पर डालते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भक्त होते हैं लोग। बोले क्यों शंकर जी के सर पर प्रभु का चरणामृत क्यों डालना? बताओ ये गंगा कौन है? बोलो गंगा कौन है? ये भगवान वामन देव का चरणामृत है। देखना कांवर है, लोग होते ना कंधे पर पानी ले जाते, कांवर लोग कितने दूर से गंगा पानी लाते हैं और शंकर जी के सर पर डालते। बोले क्यों शंकर जी इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? बोले कारण है ये गंगा भगवान की चरणामृत है, इसलिए उनको जटा में गंगा है ना। इसलिए शंकर जी वैष्णवानाम जथा सब हो, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा वो सबसे प्रसन्न होते हैं, भगवान की चरणामृत से सबसे प्रसन्न होते हैं, और सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी की प्रसाद पाए। ये हनुमान जी कौन है? ये हनुमान और कोई नहीं, बोले रुद्र तेहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र स्वरूप के द्वारा प्रभु को मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर ही प्रेम में बसीभूत होकर के श्री हनुमत लाल रूप में आए हैं। और हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं? राम दरबार लगे तो कहाँ बैठते हैं? ठाकुर जी की चरण में बैठते हैं, ठाकुर जी की चरण में बैठे हैं। इसलिए कभी कभी हम लड्डू बना करके ना हनुमान के मुंह में ठोस कर खाओ, अरे क्या हनुमान जी भूखे हैं तेरे लड्डू खा लेंगे? नहीं, जब तक प्रभु राम नहीं खाएंगे, जानकी नहीं खाएंगी, भरत शत्रुघ्न नहीं खाएंगे, हनुमान कुछ भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? वो भगवान का सेवक है। उसी तरह जो शंकर जी ये भगवान की सबसे बड़े सेवक श्री शंकर जी, इसलिए कोई भी खाना डायरेक्ट शंकर को नहीं देनी चाहिए,
अब शिव पुराण पढ़ करके देखो, कहते डायरेक्ट जो शंकर जी का प्रसाद खाता है वो कुत्ता जन्म ले जाता है। इसलिए सबसे पहले किसको भोग लगाओ, कृष्ण को हो, राम को हो, नहीं तो नारायण को हो, ये तीनों भगवान है, इनको भोग लगा करके ये जितने देवा देवी हैं, शंकर जी हो, देवी जी हो, हनुमान जी हो, गणेश जी हो, ठाकुर जी की प्रसाद इनको भोग लगाओ, बड़े प्रसन्न होकर के खाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन मैया यशोदा ने देखा कृष्ण ने करवट ले ली, मैया को तो बड़ी खुश हो गई, लाला को ताकत आ गया, आज हम करवट लेने का उत्सव मनाएंगे। सारी ब्रज की गोपियों को बुला करके अपना घर में कीर्तन करा रही थी और कृष्ण को लेकर के बैलगाड़ी को नीचे दूर में लेटा दिया। जब गोपियां कीर्तन कर रही थी, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, और कृष्ण देखा मेरे को कीर्तन से हटा करके बैल गाड़ी को नीचे लेटा दी। बोले भैया मैं यही आनंद लेने के लिए तो गोलोक वृंदावन छोड़ करके आया हूँ और मेरे को पता नहीं कहाँ मेरे ये उत्सव है, मेरे लिए कीर्तन भी मेरा सब कुछ है मेरा और कहाँ बटा। देखो यद्यपि भगवान की भक्ति कीर्तन हमें अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको अच्छी लगती है, बोले सबसे ज्यादा अच्छी भगवान को लगता है, क्योंकि भगवान में जो मधुरता जो मीठा है ना, जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला में क्या आनंद, ये रसगुल्ला को पता नहीं, किसको पता है, बोले उसको जो खाते हैं उसको पता है। उसी तरह कृष्ण का अंदर में जो रस है, जो आनंद है, वो किसको पता, बोले भक्तों को पता है। और भक्त में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण देखा मुझे जो आनंद मिलता है, मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा राधा जी को आनंद मिलता है मेरे को भक्ति करके। इसलिए उन्होंने कलयुग में श्री राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आते हैं और स्वयं कृष्ण, लेकिन कृष्ण होकर के हा कृष्ण, जैसे श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती थी, महाप्रभु भी हाथ उठा करके कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहां जाने पर वो श्याम सुंदर मुझे मिलेंगे, कहां जाने पर वो कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण स्वयं कृष्ण को ढूंढ रहे, इतने आनंद कृष्ण भक्ति रस में। अभी कृष्ण चाहते हैं भैया मैं भी तो मेरा कीर्तन का थोड़ा आनंद लूं, लेकिन कृष्ण को कितना उम्र है, अभी कृष्ण 3 महीना के, कृष्ण अभी केवल 3 महीना के कृष्ण है। इसलिए अभी कृष्ण ने सोचा अगर जोर जोर से अगर मैं रोऊं ना, मैया के कान में रोने की आवाज पड़े तो हो सकता है मैया मेरे को उठा कर ले जाएगी, लेकिन मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। अभी कृष्ण देखा कितना रोऊं रोकर रोकर थक गया, कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को करना की, कंस ने एक राक्षस को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर, उसका शरीर नहीं था, उसने देखा भैया कृष्ण कहां पर, बोला बैलगाड़ी को नीचे,
बोले ये गाड़ी को दबाते दबाते ऐसे दबा दो ना कृष्ण पीस जाए। इतने में कृष्ण अपना कोमल कोमल चरण को उनने धीरे धीरे चलाया और इतने जोर से गाड़ी को मारा, गाड़ी एकदम पलट गई, बिखर गया। सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, बोले आंधी तूफान नहीं, ये पलटी तब पलटी कैसे। लेकिन कृष्ण का सखा लोगों ने इस बात को देखा था, बोले मैया मैया हम बोलेंगे, बोले बताओ, बोले कन्या की चरण के ठोकर से, बोले लगता है धान की गोला जाता खा लिए हो। अभी मेरे लाला 3 महीना की, अरे बैलगाड़ी को पलटा दिया, लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर मैंने कृष्ण को ला करके कीर्तन को बीच में सुला दी, फिर कीर्तन करने लगे, कृष्ण खुश हो गए, बोले पहले अगर मेरे को ले आते ना इतना नटखट में करता है। इसलिए देखो कृष्ण एक शिक्षा देते हैं, ध्यान देकर सुनो अच्छे तरह से। कृष्ण शिक्षा देते हैं, घर में अगर कोई उत्सव हो तुम्हारे घर में, भगवान को कभी उत्सव से अलग मत किया करना, भगवान कभी उत्सव से अलग नहीं करना। जैसे हमारे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, नहीं तो तुम्हारी शादी हो रही है, हम क्या करते हैं, सारा दुनिया को बुलाए, पता नहीं कितना बोतल तोड़वा देंगे और कितने मुर्गा खत्म मार डालेंगे, कितने बकरी खत्म करके उनको खाना खिला देंगे। लेकिन जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है देना, उसके लिए कुछ नहीं करते, वो तो जैसे तैसे बैठे हुए। और दिन में हम क्या करते हैं, दिन में 2 बार अपना ड्रेस को बदलाते हैं, रोज रोज 2 बार ड्रेस बदल के पहनते हैं। और ठाकुर जी को क्या करते हैं, एक ड्रेस में ठाकुर जी बैठे हुए, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, ठाकुर जी तो एक कपड़ा पहन करके ठाकुर जी बैठे हुए। और जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने जिसने उसके लिए 10-15 दिन में एक बार उसको ड्रेस बदलाएंगे। आज जिसने सब कुछ तुमको दिया, दुनिया दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए कुछ नहीं, सारा दुनिया को बुला करके बोतल पिला रहे हो, उल्टा पुल्टा गंदी चीज उसको खिला रहे हो। देखो ये संतों का कहना है, भैया जिसकी बच्चे का बर्थडे में तुमने इतना बोतल तोड़वा दिया और इतने जानवर को मरवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण होगा? अगर 100 साल होगा ना, झट 50 साल में उतर कर आ जाएगा। क्यों? इसी बच्चे की उद्देश्य में तुमने इतने गंदा काम तुमने किया, इतने पाप कर्म किया। इसलिए क्या करना चाहिए, कोई भी घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, उसमें उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर की गाना नहीं चला करके ठाकुर जी की भजन चलाओ, ठाकुर जी की भजन करवाओ, भगवान का नाम लो। कितना मंगल भवन अमंगल हरी, भगवान का जो नाम है सारे अमंगल को भगवान का नाम दूर कर देता है। तभी इसलिए कृष्ण ने किया दिया चरण के ठोकर मार कर उन्होंने गाड़ी को पलटा दिया। इसलिए कहते उत्सव, हम कहते ना उत्सव, उत्सव मतलब क्या है, उत मतलब होता है निकाल देना। अगर घर में कुछ चीज हो, अगर उसमें भगवान को वहां से हटा दिया, फिर क्या रह जाएगा, बोले सब। सब मतलब होता है मृत शरीर, मतलब भगवान के भक्ति के बगैर जगत में सब कुछ, कहते उत्सव, सबके सब शरीर मृत शरीर, सबके सब सब स्वरूप है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, जो कुछ करते हो ठाकुर को लेकर के करो, ठाकुर जी को छोड़ करके कभी मत किया करो। देखो एक समय एक व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, बोले क्यों, बोले भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया, अगर सोने में हाथ लगाए ना, वो सोने भी मिट्टी बन जाता है, ये सोने भी मिट्टी बन जाती है, इसलिए प्राण नहीं धारण करूंगा, प्राण त्याग दे दूंगा, भगवान ने हमें कुछ ही नहीं दिया। इतने में ठाकुर ही एक साधु रूप धारण करते हुए आ गए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, बोले सुइसाइड करने के लिए, बोले क्यों, बोले भगवान ने हमें कुछ ही नहीं दिया, अगर सोने में भी हाथ लगाए वो भी मिट्टी बन जाता है, बोले ठाकुर तेरे को कुछ भी नहीं दिया, बोले क्या दिया मेरे को। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले बेटा तू बोलते हो ठाकुर तेरे को कुछ नहीं दिया, तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख तू निकाल करके मेरे को दे दोगे, बोले क्यों, एक आंख क्यों निकालता, कभी 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, बोले नहीं 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 कैसे आंख कैसे दे दू, बोले तुमने बताया ना ठाकुर तेरे को कुछ दिया नहीं, तेरे को 2 आंख दिया ना, अगर एक आंख देने पर तुम्हारी काम चल सकती थी, लेकिन ठाकुर जी कितने आंख दे दिया, बोले 2 क्यों दिया, बोले अगर किसी कारण से अगर एक आंख अगर खराब हो गई, दूसरे आंख तुम्हारी काम चल सकती है।
बोले 10 लाख रुपया दूंगा, एक हाथ काट कर दे दोगे? बोले कैसे हाथ कैसे काट कर दे दो? बोले तू तू बोले भगवान तेरे को कुछ दिया गया ना, दोनों हाथ का कितना कीमत हुआ लगा दो? 20 लाख हो गया। बोले 5 लाख रुपया देता हूँ, एक अंगुल काट कर दे दोगे तुम्हें? बोले अंगुल कैसे काट कर दे दो? बोले तू बोलते ना भगवान तेरे को कुछ नहीं दिया, कितना अंगुल तेरा है? ऊपर 10 नीचे 10 20, मतलब एक अंगुल 5 लाख से भी ज्यादा, हिसाब लगाओ कितना, 1 करोड़ हो गया कि नहीं? बोले एक कान काट कर दे दोगे? 10 लाख रुपया देता हूँ। बोले एक कान कैसे दे दो? बोले दोनों कान, हिसाब लगाओ कितना हुआ? बोले एक किडनी दे दोगे 20 लाख रुपया? बोले नहीं नहीं कैसे दे दू? बोले भगवान एक किडनी दे सकते थे लेकिन दो तरह को दे दिया, क्यों? अगर किसी कारण से अगर एक खराब हो गया तो दूसरा काम कर सकते हैं। बोले 20 लाख से एक टांग देखो काट करके, बोले 20 लाख रुपया में एक टांग काट कर दे दो? बोले कैसे टांग काट कर दे दो? बोले हिसाब लगाओ कितना हो रहा है। अगर हिसाब लगाएंगे ना ठाकुर जी, ऐसे एक अनमोल शरीर दिए, कभी ये मानव शरीर नहीं, बोले ये कोहिनूर हीरे ठाकुर तुमको दिए, कोहिनूर हीरे ठाकुर तुमको दिए। इसलिए गोस्वामी श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलगामी। अब लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? सब समझते। देखो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले मौसम कौन कुटिल खलगामी, मेरे जैसे कुटिल खाल कामी कौन हो सकता है? बोले क्यों? बोले जिनी तनु दही, जिसने तुम्हें ये मानव शरीर दिया, बोले ताही बिसराई, तो उसको ही भूल कर बैठ गया। बोले कैसे नमक हरामी, नमक हरामी किसको कहते हैं? किया हुआ भलाई को जो भूल जाए। हम कितना भजन भजन करने का क्या जरूरत है? अगर विपत्ति में कोई 100 रुपया देना, जिंदगी भर याद करेंगे, भैया उसने विपत्ति में हमें 100 रुपया दिया, लेकिन तेरे को जो ये मानव शरीर दिया है, आप कुछ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ ना, ऑक्सीजन चढ़ता है ना, उसका बिल तेरे को भरना पड़ता है। अभी जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कितना बिल भर रहे हो तुम बताओ? घर में लाइट चलती है, फैन चलती है, हर महीना बिल भरते कि नहीं? भरते हो कि नहीं? अगर 2-4 महीना नहीं भरते क्या होगा? बिल कट जाएगी नहीं? बिजली कट जाएगी। लेकिन 3 में जो इतना बड़ा बिजली दे कर रखा है, अभी तो कोई पैसा मांगा तुमने? कोई पैसा मांगा ठाकुर ने? कोई पैसा मांगे तेरे को? कुछ भी नहीं मांगे। इसलिए सूरदास जी कहते, भैया अगर उसकी भक्ति नहीं करोगे ना, तेरे जैसे नमक हराम जगत में कोई नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की। और इसी जगत में देखो, जगत में हम जो कुछ काम करते हैं दूसरों की अच्छे के लिए है ना, संसार में जो कुछ करते हैं दूसरों को भलाई अच्छे के लिए संसार में। अभी ये बताओ, संसार में अभी तक किसको खुश कर पाए? आप बताओ, पत्नी को खुश कर पाए ना, बेटे को खुश कर पाए ना, पति को खुश कर पाए ना, ननद को खुश कर पाए ना, जेठ को खुश कर, किसको खुश कर पाए? अब किसको खुश कर पाए? देखना जिंदगी भर दूसरे की खुशहाली के लिए करते हैं। देखना एक थोड़ी सी जिंदगी भर कर, बेटे के लिए जिंदगी भर करते, जिस बेटे को तुमने गर्भ में धारण किया 9 महीना तक, उसको प्रसव पीड़ा सहन किया, गिल्ली में सो करके उसको सूखे में सुलाया, मुंह की खाना निकाल करके बेटे को खाने दिया, इतने बड़ा किया, पैसा उसके लिए इतना लाख रुपया खर्च करके सीए पीएचडी एमएफ बनाया, लेकिन घर में जब एक बहू आ जाती है, एक रात में ऐसे एक कान में मंत्र देती है ना, एक मंत्र देती है, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खराब होता है, वो पिता माता को भूल जाता है। इतने जो कष्ट करके जो बच्चे को तुमने जन्म दिया है, और पत्नी आकर कहती खबरदार तुम्हारे साथ ना नहीं रह सकता, पत्नी आकर बेटे को बोलते तेरे घर में नहीं रह सकता अगर तुम अपना सास ससुर को साथ में रहोगे, चलो अलग चलो। लेकिन वो क्या करता है, जिस पिता माता ने जन्म दिया, इतने बड़े किया, उसको ही छोड़ करके चले जाते हैं बीवी के साथ। लेकिन हम जिंदगी भर वो बच्चे को पीछे करोड़ों रुपया खर्चा किया। इसलिए ये दुनिया बड़ा विचित्र जीवन है, दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया जग दुनिया है, दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया ये दुनिया है, समझना बड़ा कठिन है। इसलिए भैया, लेकिन भगवान के लिए सुदामा 2 मिट्टी भगवान को चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले, इसका मैं ऋणी कम चुका, इसके ऋणी कम मैं चुकाऊं,
मेरे अंगुल के लिए अपना साड़ी को फाड़ करके ब्रांडेजी करती। भरी सभा में जब लाज जा रही थी, भगवान स्वयं वस्त्र धर के प्रकट हो गए। दुशासन का 10,000 ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं। दुनिया देख रही थी साड़ी की कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है। इसलिए करना है ना ठाकुर जी के लिए करो, वो हर चीज को तुम्हारी याद रखते हैं। इतना करोगे ना कितना, एक कदम बढ़ाओ ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाते हैं। लेकिन हम दुनिया के लिए 10 कदम 100 कदम बढ़ाते हैं, जो कुछ भी हमें देने वाले नहीं, बल्कि बदनामी बदनामी जिंदगी भर देंगे। अब देखना दुनिया भर के लिए करो, लास्ट में बदनामी देकर कुछ नहीं देंगे। इसलिए करना हो तो किसके लिए करने चाहिए, ठाकुर जी के लिए करने चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अरे यार आप लोग बोलो, मैं सुन रहा, जोर से बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कृष्ण ठोकर मार करके बैलगाड़ी को इसलिए तोड़ देते हैं, कहते भैया अगर मेरे को छोड़कर कुछ भी करोगे लास्ट में टूटेगा। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को स्तनपान करा रही थी। हर माताओं को पता है बच्चा कितने दूध पीने से पेट भर जाता है, लेकिन कृष्ण आज इतने दूध पीते जा रहे थे, बंद ही नहीं कर रहे थे। मैया तो डर गई, बोले क्यों? बोले लाला की पेट खराब नहीं हो जाए, ज्यादा दूध पी लेना पेट पतला हो जाता है। इतने में कृष्ण ने थोड़ी सी जंघाई ली, इतने छोटी सी मुंह खोली तो उनको विश्व ब्रह्मांड उन्होंने दिखा दिया। कृष्ण ने कहा मैया तू ये सोच रही हो तेरे दूध को मैं अकेला पी रहा हूँ, नहीं मैया, ये जो विश्व ब्रह्मांड है ना, तेरे दूध से ये विश्व ब्रह्मांड पल रहे हैं। कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हुए। कृष्ण एक दिन मैया जसोदा ने कृष्ण बलराम दोनों भैया को बड़ी सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बोले बच्चों तुम दोनों खेलो, मैं घर की काम कर रही हूँ। कृष्ण सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ जाए, मैया क्या करती है, बोले गोबर और गोमूत्र से हमें स्नान कराती है और गो रज लेकर के हमें तिलक लगाती है। बोले भैया ये ब्रज रज नहीं, गोमूत्र गोमूत्र में है क्या चीज। एक दिन पास में बैठे पास में गैया बंधी हुई थी। कृष्ण बलराम दोनों भाई गए और जाकर उन्होंने जितने कीचड़ और गोबर था सब कुछ लेकर के सारा शरीर में पोत दिया। मैया ने देखा भैया ये दोनों बच्चे गए कहाँ। बोले कनुआ बलुआ तुम दोनों कहाँ हो। बोले मैया हम यहाँ। बोले वहां क्या कर रहे हो। देखा जितनी गोमूत्र गोबर से सारा शरीर सने हुए कीचड़ से। मैया को तो बड़ा क्रोध आया, बोले अभी अभी श्रृंगार की और तुम दोनों ने सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया। दोनों को कान पकड़ करके बोले क्यों रे, तुम सुकर असी कत पुतना रे, क्या तुम पूर्व जन्म में सुअर थे, क्योंकि ये सुअर ही कीचड़ में लोट लोट खाते हैं। कृष्ण ऐसे सर हिला रहे थे, बोले हाँ मैया हम तो पूर्व जन्म में मैं सुअर था, लेकिन तेरे को कैसे पता चला, क्योंकि भगवान बराह अवतार लिया था सत्य युग में। ये जो बराह रूप है ये सुअर का रूप है, बराह रूप है। बोले कृष्ण ये गोबर और गोमूत्र से स्नान क्यों किया। बोले भैया ये गोमूत्र और जो गोबर है ना ये साधारण वस्तु नहीं। आप लोग तो हिंदू देखना मरने के बाद गोमूत्र गोबर से क्या करते हैं, घर को छिड़काव करते हैं, पानी को घर को शुद्ध करते हैं। भगवान की जब चरणामृत बनती है ना उसमें भी गोमूत्र गोबर थोड़ा थोड़ा देते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ये गैया को सृष्टि की, गैया के शरीर में उन्होंने 33 करोड़ देवता को स्थान दिया, लेकिन उसी समय में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों थी नहीं। इनको पता चला ब्रह्मा जी ऐसे एक प्राणी सृष्टि की जिसमें 33 करोड़ देवता को निवास है। अभी लक्ष्मी सरस्वती भागते भागते आए, ब्रह्मा जी से बोले पितामह जी हमें भी कहीं स्थान दे। तो बोले कोई स्थान नहीं तुम्हारे लिए,
सारे देवता 33 कोटि देवता बैठे गए, मतलब कुछ भी स्थान देखो जहां तो गए हम वहीं बैठ जाएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा भैया कहां प्रस्थान तू, बोले दो स्थान तो बाकी है लेकिन सबसे अपवित्र स्थान है, एक है निष्ठा और एक है मूत्र, बोले हमें वहीं पर स्थान दे दो। पर लक्ष्मी सरस्वती को विष्टा मूत्र में स्थान दिया। अभी साइंटिस्ट लोगों ने हमारे मंदिर में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट वो संत है, बेंगलोर में रहते हैं, नासा में वो साइंटिस्ट थे। अभी हमारी वहां पर एक गौशाला है बेंगलोर में, वो बाबा अभी गोमूत्र और गोबर से रिसर्च करके बड़ी बड़ी मेडिसिन निकालते हैं, मतलब कैंसर तक भी, अभी गोमूत्र गोबर से कैंसर तक भी सही करते हैं। ये गोबर का जो देसी गैया की गोबर से साबुन बनाते हैं, उसमें धूप काठी बनाते हैं, और गैया के मूत्र से बड़ी सुंदर सुंदर मेडिसिन, ऐसे कोई बीमारी नहीं जिसे सही नहीं होगा। इसलिए अभी साइंटिस्ट लोग ये चीज को रिसर्च करके निकाल रहे हैं। इसलिए अब देखना, पहले पहले हर घर में गैया पालते थे, घर में घुसो तो सबसे पहले गैया होती थी, क्यों जो गो है ये गो माता है, ये 33 करोड़ देवता का निवास है। हमारे मंदिर में एक बाबा थे, उनको हो गया था श्वास का बीमारी, उनने ट्रीटमेंट लिया लेकिन सही नहीं हुआ, लेकिन हमारी एक गौशाला को बाबा उसमें गौशाला में सेवा करते करते अपने आप उनको बीमारी सही हुई, जो श्वास का बीमारी सहज में सही नहीं होता है, मतलब गोमूत्र गोबर में जो स्मेल है वो अपनी आप उनको सारी बीमारी अपनी आप सही होगी उनके सारी बीमारी। इसलिए आज भगवान गोमूत्र गोबर की महिमा को जगत में बताने के लिए ठाकुर जी आज सारा शरीर में ये गोबर और गोमूत्र को ठाकुर ने शरीर में ठाकुर जी धारण किया था। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे थे, जब कृष्ण बड़े हो रहे थे एक दिन कृष्ण ने देखा, कहते ब्रज में जो कोई आए, श्री रसखान कहते हैं ब्रज में आकर के दो काम आपको करनी चाहिए, बोले रमण रेती ले तो नहीं कियो ना जमुना पान, बोले क्या करनी चाहिए, बोले ब्रज में जाकर के यमुना नदी में जरूर आचमन लो और यमुना में जरूर स्नान करनी चाहिए, क्योंकि जो यमुना ये कृष्ण की सखी है, ये वृंदावन में ये यमुना ये अनुराधा विशाखा है, लेकिन यही यमुना जब मथुरा में जाती है वो कालिंदी बनती है, ये कालिंदी कृष्ण की पटरानी है, ये यमुना पानी कोई साधारण पानी नहीं। इसलिए बोले चितानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम कात्री अधानाम लभेत्री, ये यमुना नदी की इतनी महिमा, बोले गंगा में स्नान करने का जो फल है, यमुना को स्मरण करने का वो फल है, इतने यमुना नदी की पवित्रता है। इसलिए अभी बोले ब्रज में जाकर क्या करो, यमुना नदी में जरूर यमुना में आचमन लो और यमुना में स्नान करनी चाहिए। बोले दूसरा काम क्या, बोले रमण रेती लेट हो नहीं, भगवान की लीला स्थली से रमण रेती जहां पर कृष्ण बिहार किए वहां पर जाकर के लौट लौट खानी चाहिए, ब्रज रज को धारण करनी चाहिए वहां पर जाकर के। कहते जब तक ये दो काम नहीं करोगे ना तब तक ये मन तुम्हारी पवित्र नहीं होगा, बोले तब तक ब्रज की महिमा को आप नहीं समझोगे। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, बोले भैया जो जो ब्रज में आते हैं वो सबके सब कहते राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए, सबके सब यही चीज प्रार्थना करते हैं। एक दिन कृष्ण ये ब्रज रज की महिमा को बताने के लिए सखाओं को साथ में खेलते खेलते आए ब्रह्मांड घाट में। कौन कौन ब्रह्मांड घाट गए हो भैया, ब्रह्मांड घाट कौन कौन गए ब्रज में गोकुल में, हाथ उठा कौन कौन गए हो, बोलो कौन कौन गए ब्रह्मांड घाट में, इतने व्यक्ति गए, इतने से व्यक्ति गए ब्रह्मांड घाट में, वृंदावन कौन कौन गए, वृंदावन कौन करके सबके सब वृंदावन गए हो, जहां पर कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते जहां पर कृष्ण मिट्टी खाए थे वो स्थान का नाम है ब्रह्मांड घाट। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के विषय है कभी कभी हमारे देश का लोग अमेरिका तो जाना चाहते हैं,
लंदन जाना चाहते पैसा कमाने के लिए, सोचते जाकर पैसा कमाएगा ना सुखी हो जाएगा, लेकिन वृंदावन में देखना, कभी वृंदावन में आना, जो अमेरिका के, जो लंदन के, जो फ्रांस के हमारे बड़े बड़े गुरु जी की शिष्य है, जब उनकी यहाँ वीजा खत्म हो जाती है, वो लोग इतने दुखी होते हैं, बोले भगवान हमें ये नरक में क्यों जन्म दिया। वो कहते हैं अमेरिका को नरक कहते हैं, कहते हैं तो अमेरिका ये नरक में क्यों भगवान हमें जन्म दिया, ये वृंदावन में क्यों जन्म दिया, क्योंकि वो वृंदावन की महिमा को जानते हैं। वो अमेरिका कभी हम वृंदावन आओगे देखोगे, वहीं पर वीजा बना के वहीं पर निवास कर रहे हैं, ब्रजवास कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, कोई किसको मुंह में राम राम कृष्ण कृष्ण किसको मुंह में सुनने को, कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। हम तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहेंगे, बोले हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन वो लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं कहते हैं, वो कहते राधे राधे राम राम हरे कृष्ण कहते हैं। हमारे देश की लड़कियां, रशिया में लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रही हैं, जानते हो क्यों लड़ाई कर रही हैं, कहते हम साड़ी पहनी करके हम क्यों कॉलेज नहीं जा रहे, रशिया में लड़ रहे हैं सरकार से लड़की, कहते हम साड़ी पहनी करके क्यों नहीं जाए, लेकिन हमारे देश का लड़कियां लड़ते ही हम जीन्स पहन करके क्यों नहीं जाते, कहते हम जीन्स क्यों नहीं पड़े पहने, लेकिन वो हमारी संस्कृति को वो लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी संस्कृति को हम अपना रहे हैं, लेकिन वो हमारी संस्कृति को वो लोग अपना रहे हैं। हम लोग हिंदू है, हिंदू है ना, बोलो तो गीता का कोई श्लोक बोलो तो, कोई गीता का कोई श्लोक बोलो तो, बोल सकते हो, मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन बताओ कौन सा हीरो का नाम क्या, कौन सा हीरोइन का नाम क्या, कौन सा प्लेयर का नाम, सारी याद नहीं, जितनी गंदी गंदी चीज को हमने याद करके रखी, लेकिन हमारी संस्कृति गीता भागवत का जो श्लोक आप देखना, अंग्रेजियों को पूरा के पूरा तुमको गीता सुना देंगे, पूरा के पूरा तुमको भागवत सुना देंगे, इतने महिमा ये गीता भागवत की, वो कहां हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हम लोग दो चार अंग्रेजी सीख करेंगे ना, बाबा हम क्या हो गए हैं, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, अंग्रेजी सीख गए ना, इसलिए हमारी संस्कृति को निगलेक्ट करना चाहते हैं हमारे, विशेष करके अभी अभी जो नए नए लड़के जन्म हुए ना, ये लोग तो भक्ति की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, जितने उल्टा पुल्टा गंदी गंदी बात, उल्टा पुल्टा चीज भी इसमें इनकी पसंद है, लेकिन भगवान की भक्ति में इनकी पसंद नहीं है। देखो हमारे पीछे वो प्रभु जी बैठे हुए, कुछ वहां पर ग्रंथ है, ठाकुर जी की छोटी छोटी ग्रंथ है। देखो एक ग्रंथ की कथा सुनाता हूँ, मैं पहले से आज सुना रहा था, बोले एक समय गीता जयंती आई, गीता जयंती में अमेरिका में वो इस्कॉन के लोग गीता जयंती में भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गीता को, वो एक व्यक्ति प्लेन से उतरा अंग्रेजी अमेरिका से, वो 8-10 लोग रास्ता में खड़े हुए थे गीता जयंती में, गीता बेच रहे थे अमेरिका में, बेच रहे थे अंग्रेजी लोग, तो भाई उन्होंने बोले भैया गीता लो, बोले बेकार चीज है, और थोड़ी दूर गए बोले गीता लो, बोले सब बेकार चीज है। उसने देखा 8-10 लड़के खड़े हुए वो गीता बेचने के लिए, बोले भैया किसको, हाँ किसको कितना, बोले 2-4 डॉलर दे करके गीता ले लिया, बोले ले लेते हैं गीता को, देखा ये तो बेकार चीज है, ये तो कोई काम की नहीं, उसने इसको ड्रम में डाल दिया, बोले बेकार चीज है। एक दिन वो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना डिप्रेशन में आया, इसलिए जब हमारे स्वामी महाराज इस्कॉन का जो स्थापक जब अमेरिका में गए, सबसे पहला लेक्चर था, हमने सुना कि अमेरिका सबसे बहुत बड़ा समृद्धशाली देश है, बहुत रुपया पैसा अमेरिका में, लेकिन जब न्यूज पेपर पढ़ते हैं सबसे ज्यादा कहीं सुइसाइड करने वाले व्यक्ति वही अमेरिका, सबसे ज्यादा सुइसाइड करने वाले, क्यों वो इतने लास्ट में होपलेस हो जाते हैं, क्यों वहां पर जो विचार है, बच्चे जब 10-15 साल हो जाए ना, कोई पिता माता घर में नहीं रखे, घर में जाओ निकलो, कोई पिता माता उसको नहीं, निकलो घर से, अपना कमाओ और अपना खाओ, अगर होटल में जाएंगे ना पति पत्नी दोनों खाने के लिए, तो पति पत्नी है नहीं वहां, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो दोनों होटल में खाने के लिए जाएंगे, पैसा लड़की अलग पैसा देगी, लड़का अलग पैसा देगा, दोनों का पैसा एक में नहीं, वो अलग पैसा, ये अलग पैसा देगी, एक साथ में पैसा नहीं देंगे, इसलिए और लास्ट में इतने प्रेम नहीं है, वो लोग हृदय से कोई बात नहीं करते, दिमाग से बात करते हैं, मतलब हृदय है ही नहीं, हृदय किसको कहते, हृदय है ही नहीं,
आप उनके लिए लाख कर लो। लास्ट में बोले थैंक यू, बस हो गया तुम्हारी, जितने करी कराए ना थैंक यू बोलकर खत्म कर देते सबके सब। एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया उसने सोचा आज मैं सुइसाइड करूंगा। वो सुइसाइड करने के लिए बैठा हुआ, अभी उसका ड्रम है वो था बंदूक, बंदूक था। तो उसने जब सुइसाइड करने के लिए गया वो ड्रम को खोला, ड्रम को खोल करके जब बंदूक को लेने के लिए हाथ में गया, लेकिन उसमें था भगवद गीता, उसको हाथ में बंदूक नहीं आकर के आ गया भगवद गीता। बोले भैया तो मरने के लिए भी जा रहा हूँ, थोड़ा क्या पता नहीं गीता क्या है, खोल कर देखे। अभी उसने गीता को खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें भगवान कृष्ण बोल रहे थे हे अर्जुन, बोले तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति। बोले हे अर्जुन जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आते हैं तब तक जीव को ये परम शांति नहीं मिलता है। इसलिए ये शरीर एक केवल एक चोला है, जैसे एक नया जैसे कपड़ा पुराना हो गया, हम पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये शरीर जो पुरानी हो जाती है, आत्मा नित्य शाश्वत है, ये आत्मा ये शरीर को छोड़ करके फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन हम कहाँ सुख चाहते हैं ये शरीर से, लेकिन ये शरीर टाटी पेशाब खून पीता जथली है, ये शरीर वस्तु कभी तुम्हें शांति सुख नहीं देगा, ये शरीर अनित्य है। लेकिन हम कहाँ सुख ढूंढते हैं, हम पता है ना आई लव यू, पहले जगत का प्रेम यहीं से शुरू, आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई की लीव यू, जाकर के कोर्ट में जाकर नंबर काटते हैं, कोर्ट में जाकर चक्कर काटते हैं। क्यों, हम ये शरीर से ही सुख चाहते हैं, जगत में लड़के कहाँ सुख चाहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोले कब तक शांति, कब तक शरीर में सुख ढूंढोगे, ये शरीर तो नश्वर है, दो दिन बाद में फिर दो दिन बाद प्रेम खत्म हो जाती है, फिर दूसरों को ढूंढते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ये जड़ शरीर है, ये टाटी पेशाब खून पी का थली है, ये शरीर से तुम्हें शांति सुख नहीं मिलेगी, लेकिन जो आत्मा है ये शाश्वत अजर अमर है। हे अर्जुन अगर तुम शांति पाना चाहते हो शरीर से नहीं पाता, शरीर से तेरे को मिल नहीं सकता है, मिल सकता है वो आत्मा से मिल सकता है, वो जो आत्मा है वो परमात्मा की अंश आत्मा है। इसलिए कृष्ण कहते हे अर्जुन जब तक तू मेरे शरण में नहीं आओगे ये जड़ वस्तु कभी तुम्हें शाश्वत शांति नहीं दे सकती है। अगर वास्तव शांति पाना चाहते हो मेरे शरण में आना पड़ेगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ, अगर ज्यादा पैसा कमा लेगा ना सुखी हो जाएगा, भैया रावण सबसे बड़ा सुखी रहता, जिसको पास में सोने की लंका थी, सोने की लंका जिसको पास में, हमारे पास में कितना पैसा कमाओगे बताओ, कितना सोना आपके पास में, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो ज्यादा तो नहीं होगा ना, जिसको सोने की लंका थी जिसको पास में, लेकिन फिर शांति कहाँ ढूंढते हैं, अच्छी कोई लड़की से शादी करने के साथ सुखी हो जाए। रावण की पत्नी का नाम क्या था, मंदोदरी, वो मिस इनवर्स ही होती है उसी समय में। मंदोदरी मतलब क्या है, मंद मतलब होता है पत्नी, उदर मतलब कमर, जिसका कमर बहुत पतली थी वो विश्वकर्मा की बेटी। विश्वकर्मा ने जितने सद्गुण था जितने सुंदरता था वो सारे सुंदरता तो देकर उसने ये मंदोदरी को उसने बनाई थी। और रावण किसको किसको शादी की, एक नहीं थी, वो जहाँ गंधर्वी अप्सरी जहाँ सुंदरी से सुंदरी लड़की मिले ना पकड़ पकड़ कर शादी किया था, कितने उसकी रानी थी तभी उसने शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिली। हम यही शांति ढूंढते हैं, लेकिन फिर कहाँ शांति ढूंढते हैं, बोले दुकान मकान से आपको शांति मिलेगी, लेकिन रावण सब कुछ पा करके बोले बेटा अच्छा हो जाएगा शांति मिलेगी, मेघनाद जैसे बेटा, रामायण देखे कि नहीं, रामायण देखो मेघनाथ इंद्रजीत जैसे बेटा, लेकिन चैन नहीं बेचैन से जी रहा था, वो बेचैन से जी रहा था रावण, लेकिन एक व्यक्ति चैन से जी रहा था केवल, कौन चैन से जी रहा था बता सकते हो, बता कौन चैन से वहां पर जी रहा था, एक विभीषण वहां पर चैन से जी रहा था। बोले क्यों, बोले कारण है केवल प्रभु की भजन करता था, इसलिए हनुमान ने पूरा लंका जलाकर राज बना दिया, लेकिन केवल एक विभीषण को उन्होंने छोड़ दिया, एक विभीषण घर छोड़कर तुमने सब जला दिया। हनुमान शिक्षा देते हैं अगर तू प्रभु का भजन नहीं करोगे ना जलकर खत्म हो जाओगे, जो मेरे प्रभु का शरण में आएगा उसका ही घर छोड़ दूंगा,
नहीं तो सबके घर में आग लगा दूंगा, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीवी अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है। जब तक ठाकुर के शरण में नहीं आएगा जीव को चैन नहीं मिलेगी। हनुमान ये सब चीज सिखा देते हैं, इसलिए उसने केवल भगवत गीता को पढ़ करके उसका मन बदल गया। वो सुइसाइड करने के लिए जा रहा था, वो सुइसाइड बंद कर दिया उसने, बंद करके उसमें देखा भैया ये गीता आया कहां से, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, फोन नंबर लिखा हुआ था। फिर ढूंढते ढूंढते वहां पर गया, और वहां पर वो जो अमेरिका की कथा है वो वहां पर साधु इसको कुछ भक्तों को देखा। फिर उसने प्रश्न किया, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं तो सुइसाइड करने के लिए जा रहा था, लेकिन आप ये भगवत गीता पढ़ करके मेरा मन बदल हो गया, आप बताओ फिर जगत में सुख क्यों नहीं मिलता है, हम तो सबके सब सुख ढूंढते सुख क्यों नहीं मिलता है। फिर उन्होंने ये बात को बताया, बोले बेटा जिसने ये दुनिया बनाया ना वो खुद कहता है दुखालयम, ये दुख का घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई दुकान से दुखी, कोई मकान से दुखी, कोई फ्रेंड से दुखी, दुखी जिसने बनाया वो खुद कहता है ये दुख का घर मैंने बनाया है। अगर परम शांति पाना चाहते हो, कृष्ण कहते जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के अभी तक कोई जगत में सुख मिला ही नहीं। सुख तभी मिलेगा जब ठाकुर जी की शरण में जीव जाएगा, नहीं तो सुख नहीं मिल सकते। इसलिए फिर उसने जैसे हम ड्रेस पहने ना, अभी वो संत है, उसने अभी संन्यास दिया है, संपूर्ण पृथ्वी में अभी गीता को प्रचार कर रहा है, कितने लोग उसने बदलाया। एक अंग्रेजी लोग होकर के ये गीता पढ़ करके जीवन परिवर्तन हो गया, मरते से बच गया उसने। इसलिए ये गीता की इतने महत्व है, लेकिन हम गीता को अगर घर में रखा हुआ ना, उसको बांध करके ऊपर में कहीं रखा हुआ होगा, लेकिन जितने हीरो हीरोइन का पिक्चर होगा, उल्टा सीधा पिक्चर होगा, गंदी गंदी पुस्तक होगा, हम उसको ही बैठ बैठ कर हम उसको ही पढ़ते हैं, लेकिन गीता में कोई हमारा ध्यान नहीं, भक्ति में हमारी कोई ध्यान नहीं, ठीक है ना। इसलिए पढ़ना तो क्या करो, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। एक समय हमारे बड़े गुरु जी के पास में कोई आ गया, बोले गुरु जी बेटा हमारा बात नहीं सुनता है, ये चीज को ध्यान देकर सुनो। वो बड़े गुरु जी बोला बेटा हमारा बात नहीं सुनता है। गुरु जी ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति मिलेगी। बोले क्यों? बोले अगर तू रामायण पढ़ता, बच्चे को रामायण पढ़ाता, उसमें लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु न महिमाथा। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण छूते थे, गुरु जी की चरण छूते थे। रामायण पढ़ेगी नहीं? भगवान राम ने पितृ आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल के लिए उन्होंने जंगल में गए। अभी किसी के बेटा को बोलो भैया 14 साल क्या 14 दिन के लिए कोई आदेश पालन करे? 14 दिन के लिए तो अपना घूमने के लिए जा सकता है दोस्तों के साथ में, लेकिन पिताजी की बात नहीं सुनेगा। हमारे गुरु जी कह रहे थे बोले बेटा रामायण नहीं पढ़ोगे ना यही दुर्गति तुम्हें होगी और कुछ नहीं होगी। लेकिन ये ग्रंथों को हम पूरा डेड लैंग्वेज संस्कृत को कर करके ये सब ग्रंथों को दूर रख देते हैं। इसलिए घर में अभी कोई हम सारा दुनिया में जाते हैं, सारा दुनिया कहता है बेटा बात नहीं सुनता है, बेटा बात नहीं सुनता है। अरे बात कैसे सुनेगा? उसको तो स्मार्टफोन पकड़ा दिया 10-20 हजार रुपया की, जो जीवन को बिगाड़ देगा उसको, उसको तो पकड़वा दिया, लेकिन उसको तो बोला ही नहीं बेटा थोड़ा गीता पढ़ एक माला कर तो कोई बोलते हो बच्चे को, लेकिन स्मार्टफोन उसको पकड़वा दिया, ले जिंदगी को बर्बाद तो करते, तो बच्चे कहाँ बात सुनोगे तुम्हारी। इसलिए इस सब अनर्थ का कारण है। अगर जीवन में शांति सुख पाना चाहते हो क्या करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। देखो वो पीछे एक प्रभु जी बैठे हुए हैं, अगर आप लोग ग्रंथ पढ़ना ना वहां से ज्यादा कोई पैसा नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 रुपया की कोई एक पुस्तक है, अगर हो सके तो आप उसको एक एक लेकर जरूर जाना, खुद भी पढ़ना बच्चों को भी पढ़ना। क्योंकि ये जैसे अंग्रेजी था वो मरने जा रहा था, थोड़ी गीता पढ़ लिया तो उसको जीवन ही सुधर गया, और सारा दुनिया में अभी हमारे भक्ति धर्म को सारा दुनिया में प्रचार कर रहा है, सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एक जरूर ग्रंथ लेकर के जाना, बच्चों को बोलना बेटा तू भी थोड़ा गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, और घर में ये नियम बनाओ, जब बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं हम,
बेचते कि नहीं, स्कूल जब भेज रहे हो क्या बच्चे को नहीं बोल सकते बेटा 10 मिनट के लिए एक माला जप करो, नहीं तो गीता का कोई एक श्लोक तू पढ़ लो, नहीं बोल सकते? बोल सकते कि नहीं? तो बच्चे को तो सारे बात पढ़ा रहे हो जोर जबरदस्ती करके जाओ, जब बच्चे को इतने लिखा पढ़ा सिखा करके बच्चा नास्तिक बन रहा है, और देखना बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर सुइसाइड कर रहे हैं लास्ट में, इतने डिप्रेशन में इतना पढ़ाई लिखाई करके सुइसाइड कर रहे हैं। लेकिन गीता भागवत ऐसे ऐसे ग्रंथ है वो सुइसाइड से बचा देगा तुमको, और जीवन में परम शांति और परम सुख देगा तुमको। ये ऐसे ऐसे ग्रंथ है, ठीक है ना? सब घर में नियम बनाओ। क्या नियम बनाओगे? बच्चों को बोलो सबके सब एक एक माला जप करें। और दूसरी बात देखो, बच्चा सीखेगा कहाँ से? पहला गुरु कौन है बताओ? पहला गुरु कौन है? पिता माता सबसे पहला गुरु है, सबसे पहले संस्कार पिता माता से ही पड़ेगा। लेकिन अगर खुद तुम हरि नाम नहीं करते हो, खुद भजन नहीं करते, बच्चे को बोलने पर सुनेगा बच्चा? बच्चा तुम्हारी बात सुनेगा? तुम तो खुद नहीं कर रहे हो भजन, हरि नाम नहीं करते, तो बच्चे सुनेगा कहां से? इसलिए पहले पहला गुरु पिता माता, पहला शिक्षा यहीं से मिलती है। इसलिए पहले आप लोग हरि नाम करो, ठीक है ना? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ठीक है? फिर बच्चे को अंदर में ये संस्कार बच्चे को अंदर में भी आएगी, बच्चे भी धीरे 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 बच्चे भी हमारी भक्ति करेंगे। और जिस घर में भक्ति हो भजन हो ना, वो घर नहीं, वो घर भगवान का धाम बन जाता है, भगवान की धाम। नहीं तो क्या होगा? बच्चा शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, गंदी गंदी चीज खाएगा, उल्टा पुल्टा डिस्को करेगा, फिर तो घर नहीं, वो घर नहीं फिर बन जाएगा। इसलिए आप लोग भजन करो, बच्चों को भी भजन में लगाओ। एक बार हाथ उठा सबके साथ बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कृष्ण जब धीरे 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 बड़े हुए, कृष्ण जब जमलार्जुन वृक्ष को जब उन्होंने तोड़े, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, बोले भैया चलो ये गोकुल छोड़ करके फिर हम और कहीं चले जाएंगे। बोले क्यों? बोले पहले तो कृष्ण के ऊपर में पहले भूतना आ गई, उसके बाद में सकटा शुरू आ गया, फिर त्रिणावर्त आ गया, एक को बाद में एक दैत्य बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं, लगता है फिर ये पेड़ भी अपने आप टूट करके लाला को ऊपर गिरने लगते। चलो हम गोकुल छोड़ देते, हम और कहीं चले जाएंगे। जितने बड़े बूढ़े गोप एक मीटिंग किया, बोले बताओ कहाँ जानी चाहिए। लेकिन जो सबसे उनके जो बड़े गोप था श्री उपानंद जी, बोले देखो ये पास में एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है श्री वृंदावन धाम, जिसका नाम श्री वृंदावन धाम। हम सबसे सब वृंदावन चलते हैं, क्यों? जहाँ पर सुंदर जमुना नदी बह रही है, जहाँ पर सुंदर गिरिराज गोवर्धन है, और भैया को खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर घास थी वहां पर, और सुंदर सुंदर खेलने के लिए मैदान, बड़े सुंदर फल फूल से ये वृंदावन भरा पड़ा हुआ है। बोले भैया कल क्यों, आज ही चलो, जब ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, हम आज सबके सब श्री वृंदावन धाम चलेंगे। जितने बड़े बूढ़े थे उनको बैलगाड़ी में बैठा दिया, और जितने जवान थे धनुष लेकर के सबके सब वृंदावन धाम के लिए चल पड़े। जब काली गैया चलती थी ना, क्योंकि नंद बाबा का तो नल लग गया था, जैसे यमुना की धारा चल रही है, लेकिन जब सफेद गैया चलती थी लगती सख्त यमुना नदी बह रही है। इतने गैया और इतने बछड़े, कृष्ण बलराम को एक बैलगाड़ी में बैठा दिया जिसमें मैया जसोदा और माता रोहिणी बैठी हुई थी। कृष्ण का उम्र कितने? बोले 3 साल 2 महीना के। देखना बच्चों का स्वभाव है, कोई चीज देखे ना पूछते हैं, बोले मैया ये क्या, बोले मैया ये क्या। इतने में कृष्ण बलराम रास्ता में जो कुछ देखे ना प्रश्न करे, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े दाढ़ी है? बोले लाला इसका नाम बरगद पेड़ है। बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ जिसमें सारे पत्ते हिल रहे हैं? बोले मैया लाला ये पीपल का पेड़ है। बोले मैया मैया देख देख
इतने सुंदर चिड़िया है जो कुहू 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 को कितने सुंदर बोली बोल रही है। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया? बोले लाला इसका नाम कोयल है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया है, शरीर में बड़ी चित्रकारी उसकी। बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है? बोले लाला इसका नाम मोर है। बोले मैया एक का तो पूछ एक का पूछ नहीं, ये क्या लगता है? बोले जो पूछ है ना ये पुरुष है और जो पूछ नहीं ये स्त्री। बोले भैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो पूछ वाला है ना इसकी बहू ये बिना पूछ वाली लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले भैया भैया ये कौन सा जानवर है? भैया जिसके शरीर में बड़ी चित्रकारी। बोले इसका नाम हिरण। बोले भैया एक का तो सींग एक का सींग नहीं। बोले भैया ये क्या है? बोले जो सींग है ये पुरुष है, जो सींग नहीं है स्त्री। बोले भैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाली ये सींग वाली की बहू लगती है। बोले भैया मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है? इसलिए भैया मेरे लिए भी एक बहू ला दे। बोले लाला चिंता मत करो, वृंदावन में चलो तेरे लिए भी एक बहू ला दे। कृष्ण इतने मचले, बोले नहीं भैया अभी मेरे को बहू चाहिए, मेरे लिए अभी बहू ले आ, नहीं तो यहाँ से चलेगी नहीं। इसलिए कभी कभी कृष्णा मैया को पास में मचलते, बोले मैया मेरे लिए के बहू ले आ। बोले बहू कैसे होनी चाहिए? बोले मेरे से बड़ी नहीं मेरे से छोटी होनी चाहिए। बोले देखने में बोले गोरी होनी चाहिए। बोले मैया जब मैं कुछ झगड़ा करूंगा ना तेरे पास में शिकायत नहीं करूंगी, और थाला भर भर कर खिलाए हैं, भर भर कर खिलाए। और मैया अगर तुम मेरे को शादी कराओगे ना तेरे को रोज पाप दबवाऊंगी, मेरी बहू से रोज तेरी पाप दबवाएगी और तेरे को चंदन की चौकी में तेरे को बैठाऊंगी, हर समय पूजा करते रहूंगी। लेकिन हे भैया घर में तो सब चीज है लेकिन एक चीज की कमी घर में के बहू की कमी है, माया मेरे लिए के बहू ला दे। इसलिए कभी कभी कृष्ण मैया को पास में चलती। प्रभु जी के सुंदर भजन गाते हैं, आप लोग भजन को सुन लो। कृष्ण कैसे अपना मैया को पास में बहू के लिए कृष्ण कैसे मचलते हैं, किसके लिए? बोले श्री राधा रानी के लिए कृष्ण कभी मचलते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया रे तेरुया राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया रे तेरुया राधिका गोरी से इसे मैया कर दे राधिका गोरी से विरज की छोरी से नजर तेरी छोटी है उम्र तेरी छोटी है मैया कर दे नजर तेरी छोटी है राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया कर दे के बाद मेरी मैया
संसार की कुछ शादी की बात हो ना उसी में खुशियाँ मना लेते हैं, मनाते हैं कि नहीं, पी पी करके, हाँ पी पी करके नाचते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान शादी के लिए कह रहे हैं लेकिन कोई नहीं नाचता, ऐसा क्यों? उल्टी है क्या यहाँ दिल्ली की? अरे भाई संसार के शादी में नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? कौन कौन नाचते हैं? देखो कोई नहीं हाथ उठा रहे, सभी लोग नाचते हैं। तो आइए सब लोग, कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मुझे शादी करा दे। किससे? बोले कन्हैया। बोले किससे? बोले राधिका गोरी से। तो आइए सभी लोग, कम से कम तालियों की सेवा तक रहे। जो लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं तो नींद आ जाएगी भाई। हाँ राधिका गोरी Yeah.
हरे कृष्णा। हाँ देखो भागवत में बताया वंश में अगर एक बेटा प्रभु का भजन में लग गया, जिस समय भगवान हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह अवतार में ठाकुर जी वध किए, जब वध किए ठाकुर जी प्रह्लाद को बोले बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो? देखो अगर बेटा भक्ति करता है ना, उसका हृदय कितना बड़ा होता है। अब लोग कथा पहले सुने, जो हिरण्यकश्यप जिंदगी भर बेटे को मारने के लिए कोशिश किया, बोले क्यों? चूंकि बेटा भजन करना चाहता है, बेटा भक्ति करना चाहता है, बोले खबरदार ठाकुर का नाम नहीं ले सकते, भगवान नहीं है और कोई भगवान नहीं है। अब कथा सुने ना, पहाड़ को ऊपर से फेंक दिया, आग में फेंक दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया, बीस पिलाया बेटे को मारने के लिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति करता है। लेकिन भगवान जब बोले बेटा वर मांगो पिताजी के लिए, अगर बेटा अगर भक्ति करता है, देखो बेटा का दिल कितना बड़ा है। जो पिता जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश किया, बेटा कहता है प्रभु जी मेरे पिताजी का उद्धार करो, मेरे पिताजी बड़े बदमाश थे, आपका द्वेष ईर्ष्या किया। अगर भक्ति बेटा करता है ना, उसका हृदय कितना बड़ा। लेकिन इसी दुनिया में देखना, जैसे पिताजी का दो बेटा नहीं तो तीन बेटा, अगर जैसे बंटवारा होता है ना शादी के बाद में, अगर किसी बेटे को पिताजी थोड़ी सी हिस्सा कम मिल गया और किसी बेटे को थोड़ी सी ज्यादा मिल गया, देखिए ना, जब तक जिस बेटे को कम मिला है ना, वो जिंदगी भर पिता माता को गाली निकालता रहे, बोले डोकरा डोकरी हमें काम दिया और उसको ज्यादा दिया है, जिंदगी भर उसको गाली निकालेगा। लेकिन बेटा अगर भक्ति करता है, कितना हृदय कितने महान होता है, बोले जिस पिता उसको मारने के लिए कोशिश की, बोले प्रभु जी अगर मेरे को कुछ देना चाहते तो उसका पहला वर है मेरे पिताजी को उद्धार करता, मेरे पिताजी को नरक में भेजा मत कर। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले प्रह्लाद तेरे जैसे बेटा जिस कुल में जन्म लिया, ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले कुलम पवित्रम उसको 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है, 21 पीढ़ी उसको उद्धार हो जाते हैं। बोले जननी की तार था, कहते जो माँ वो बच्चे को जन्म देती है उसकी कोख धन्य हो जाती है, उसको गर्भ धारण करना सार्थकता हो जाती है। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर वो बच्चा जन्म लेता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। बोले नृत्यति स्वर्गे पितरी पितरे सा, जो लोग पहले चले गए, जो पूर्वज लोग पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में एक बेटा प्रभु का भक्ति करना शुरू करते, बोले नृत्यति स्वर्गे, वो स्वर्ग में हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते हैं, हमारा कितना भाग्य है हमारी वंश में एक बेटा प्रभु का भजन करना। इतने लाभ एक बेटा अगर प्रभु की भक्ति करे, इतने लाभ बेटा भक्ति करने का। अगर बेटा अगर गलत रास्ता पर चला गया, भजन किया तो इतना पुण्य मिलेगा, ये चीज को ध्यान से सुने। एक समय
कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा। एक व्यक्ति बहुत पुण्य किया था और स्वर्ग में पहुंचा, रत्न सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरियां उसको सेवा कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठी बैठी करके रो रहा था। वो योगी ने पूछा, तू इतना पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आया, यहाँ रो रही थी? बोले, मेरे से गलती हो गई। बोले, क्या गलती हो गई? देखो ध्यान करके सुनो माताएं, अच्छे तरह से सुनो, ये बड़ी काम की बात है। बोले, गलती क्या हो गई? बोले, बच्चों को मैंने सत्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था दान तो किया इसलिए स्वर्ग में आया, जो मैंने पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से दारू पी रहे, उसी पैसा से जुआ खेल रहे, उसी पैसा से मांस खा रहे, लेकिन वो पैसा को किसने रख करके आया था? पैसा को मैंने छोड़ करके आया था, पैसा मिली थी, और मेरे पैसा को गलत काम में लगा रहे, इसलिए मेरे स्वर्ग में आने पर भी मेरे को यहाँ चैन नहीं, स्वर्ग में भी मेरे को चैन नहीं। क्यों? मेरे पैसा को बच्चे गलत काम में मेरे पैसा को लगा रहे, वो पैसा मेरा ही पैसा था। अगर बच्चे हमने जन्म दे दिया लेकिन बच्चे को हमने सतमार्ग नहीं दिखाया, हमारे अब सुमित्रा का नाम सुने हो? सुमित्रा कौन थी? लक्ष्मण का मैया की नाम। जिस समय राम सीता वनवास जा रहे थे, लक्ष्मण अपना सुमित्रा मैया के पास में आता है, बोले, मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी मैया की सेवा के लिए जाओ। सुमित्रा मैया इतने खुश हो गई। आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये प्यार को देखो, ये सुमित्रा कहती है, बोले, पुत्रवती जुगति जगस्वई, रघुपति भक्ति जासुसुत होई। बोले, बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके आज जीवन को धन्य मान रहे। क्यों? बोले, पुत्रवती जुवती जगस्वई, मतलब है उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है। बोले, किसकी? बोले, रघुपति भक्ति जासुसुत होई। अगर बेटा तुम्हारी रघुपति का भक्ति करती है, दूसरी लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने भजन में नहीं लगाया, सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना सही, माँ को शिक्षा देती है बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो। बोले, क्यों? बोले, प्रसव पीड़ा सहन करोगे, 9 महीना तक धारण करोगे पेट में, गिल्ली में सो करके उसको सूखा में सुलाओगे, मुंह को खाना निकाल करके खिलाओगे, इतने लेखा पड़ा सीखा, फिर मरने के बाद फिर नर्क भोग, वो बच्चे गलत काम करेगा तो फिर नर्क भोग। इसलिए सुमित्रा कहती है बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो, तब भी बच्चे को जन्म देना तो, अगर बच्चे को भजन में लगाओगे तो, नहीं तो बच्चे को कहती है हर माता को शिक्षा देती है बांझ बन करके रहो, कभी जन्म मत दिया करो, मना कर देती है। इसलिए बच्चों को अगर भजन में लगा पाओगे तुम समझो पहले तो तुम्हारी उधार होगी। आप ध्रुव जी का कथा भी सुने, जब ध्रुव जी को लेने के लिए रथ आया बैकुंठ से, ध्रुव कहता है मेरी मैया का, बोले, भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो? बोले, आज जो मैं भजन कर रहा हूँ मेरे मैया के आशीर्वाद से, ये मैया मेरे को बताया था, ये पिता कब तक रहेंगे, ये राज्य कब तक रहेगा बेटा, ये पिता भी नष्ट होने वाले, राज्य भी नष्ट होने वाले, लेकिन अगर भगवान की गोद में एक बार बैठ जाओगे, भक्ति करोगे, तुम्हारी जगत में चिर अमर हो जाओगे, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तेरे को याद करते रहेगा। लेकिन अभी का जो लड़का लड़की है ना, इनकी बहुत बड़ी एक इच्छा है, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। श्रीदेवी का नाम सुने हो? श्रीदेवी की नाम सुने के लिए बाथरूम में पढ़कर मर गए। अमिताभ बच्चन का नाम सुने, ऐश्वर्या राय का नाम सुने, जब थोड़ी फिल्म में हट हो जाती है ना हिट, तभी उनका थोड़ी नाम आ जाती है। उसके बाद में 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका कोई दुनिया नाम ले रहा है कोई हीरो हीरोइन का? कोई नहीं लेता है। लेकिन हनुमान जी का नाम देखो, हनुमान जी कब आए थे? तृतीय अध्याय, करोड़ों साल पहले। तुलसीदास कब आए? मीरा कब आए? ध्रुव प्रह्लाद कब आए? करोड़ों साल पहले आए। अभी घर घर में इनकी पूजा हो रही है। भैया हीरो बनना है ना, एक बार भगवान की भक्त बन करके हीरो बन जाओ, देखना जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा। जैसे मोदी, मोदी का नाम सुने हो? कौन कौन मोदी को जानते हो? अभी पूरा मोदी 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 मोदी। लेकिन अगर अलग इलेक्शन में जो आ रही है, अगर सीट नहीं मिला तो पहले मनमोहन मनमोहन, अभी कौन कहाँ का है मनमोहन, कहाँ है? ये जगत का जितने बड़े से बड़े प्रतिष्ठा, 2 दिन बाद कभी जूते की माला, कभी फूल की माला, कभी गोली, इंदिरा गांधी ने गोली खा कर मरी, राजीव गांधी भी मरा, महात्मा गांधी मरा। लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं ना,
जो भगवान के भक्त बन जाते हैं भैया जगत में उनका ही नाम दुनिया में रहता है, नहीं तो सबका नाम जगत में मिट जाती है। इसलिए अगर बड़ा बनना चाहते हो क्या बन करके बड़ा बनो, भगवान की भक्त बन करके बड़ा बनो, भगवान के भक्त बनकर बड़े बन जाओ। जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी जगत में पूजा होती रहेगी। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, ये हमारे से गुरु जी के बड़े प्रिय शिष्य है, वो आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। देखो क्या कथा सुनाएंगे, हम घर में रहते हुए कैसे प्रभु की भक्ति करेंगे, घर में रहे सब कुछ करें लेकिन घर में रह करके हम कैसे प्रभु की भक्ति करेंगे। हाँ, जिस घर में भक्ति भजन करोगे ना वो घर में ही वो भगवान के धाम है, ठाकुर जी के धाम है। ये हमारे गुरु जी की शिष्य है, ये भी लिखा बड़ा सीखे कहाँ तक बड़े भैया इंजीनियरिंग करी एमबीए करी। हाँ, इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं किया, इसलिए लिखाई पढ़ाई किया चक्कर नौकरी चाकरी किया सब कुछ किया, लेकिन उसको साथ में भी भगवान की भक्ति करते ही। देखना अभी आपको कथा सुनाएंगे, इतने लिखे पढ़े से सभी भगवान की भक्ति करते हैं, देखो कथा सुनाएंगे। लेकिन हमारे बच्चों को पूछो सारा दुनिया उल्टा पुलटा चीज को सीख कर बैठे हुए, लेकिन थोड़ा भगवान के बारे में बोलो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया के बारे में बताओ बस घंटे घंटे तक समय निकालते। लेकिन अभी ये कथा सुनाएंगे, हम घर में रहते हुए हम कैसे प्रभु की भक्ति करें, हमारी घर कैसे वैकुंठ बन जाए, घर कैसे वृंदावन बन जाए। अगर भक्ति नहीं करोगे ना, आपको पता है बच्चे अगर घर से गए क्या करके आएंगे तुम्हें बताएंगे, पीना तो साधारण चीज है, सिगरेट फूकना पीना उल्टा पुल्टा संगत में बैठना, अगर आप भक्ति करोगे ना बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे, आपका घर वैकुंठ बनेगा। आप पिता माता को पहले तो बच्चा पिता माता को आदर देंगे, पिता माता की सेवा करेंगे अगर भक्ति करोगे तो, ठीक है ना। जैसे सात दिन तक कथा सुनोगे, हम इसलिए कथा सुनाने के लिए आते हैं, ऐसे नहीं हम भी कथा खत्म और हम भी खत्म हो रहे नहीं, कथा को कुछ ले कर यहाँ से कुछ ले कर सात दिन बैठे बस यहाँ पर आए प्रसाद खाए कथा खत्म हम भी खत्म। लेकिन हम चाहते हैं इसको बाद में हम एक जो यंग बच्चे है ना ये यंग बच्चों के लिए कुछ सेमिनार कराना चाहते हैं, कुछ सेमिनार कराना चाहते हैं जो सेमिनार उसमें अच्छी अच्छी क्लास सर्च फॉर हैप्पीनेस डट एग्जिस्ट। अभी अभी जो लिखे बड़े लड़के हैं थोड़ा लिख पड़ी जाए ना, अरे भगवान भगवान कौन देखा, हम जो चीज देखे नहीं हम उसको मानेंगे कैसे। लेकिन वो क्लास है जिसका नाम डज गट एग्जिस्ट, केवल किसी के ऊपर में साइंटिफिकल रूप में उसको प्रूव करते भगवान कैसे है, हुआ माई कभी शरीर आत्मा फात्मा देखा किसी, ये तो शरीर एक मशीन है, लेकिन ये चीज हम प्रूव कैसे करेंगे, नहीं ये शरीर एक मशीन है, इसके अंदर में कोई आत्मा है, सुप्रीम पर्सनालिटी अब गड है। एक क्लास है व्हाई बिकेम बैड थिंग फॉर गुड पीपल, कहते कभी कभी भजन जब करते हैं अगर जीवन में थोड़ी कोई दुख कष्ट आ जाए ना आप भजन भजन सब छोड़ छाड़ देते हैं। हम भगवान कितना भजन भजन किया और देखो भगवान हमारे साथ में किया क्या, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, पहनना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले माला ही छोड़ देंगे और कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति को साथ में बुराई क्यों होता है, इतने बढ़िया बढ़िया क्लास है। इसलिए हम लोग चाहेंगे आपका जो बच्चे है ना जो कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ जो कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए इस क्लास देना चाहते हैं। आप जो माताएं चाहते हो बोलो माताएं चाहते कौन कौन चाहते हैं, हमारा बच्चे भी प्रभु की भक्ति करे भजन करे, कोई हाथ नहीं उठा रहे, कौन कौन माताएं चाहते हो आपका बच्चे भी प्रभु की भक्ति करे भजन करे चाहते हो ना। इसलिए कल हम एक कापी और एक पेन लाएंगे, आपकी फोन नंबर और आपका नाम लेंगे, ले करके हम इसको क्लास करवाएंगे, क्लास करवा करके आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे भक्ति करे और अपना घर का काम काम करे, लिखाई पढ़ाई अच्छे तरह से करे और प्रभु की भक्ति करते हुए सब काम करे, ठीक है ना। प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, हम कैसे प्रभु का भक्ति करनी चाहिए भजन करनी चाहिए थोड़ी सुनाएंगे। बोलो गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ विष्णुपदाय श्रीरामाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्रोत्र श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, उन्हें अनंत कोटि डबल प्रणाम करता हूँ कि वो अपनी कृपा मुझ पे और सब पे बरसाए रखें। तत्पश्चात मंचासीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दर्पण प्रणाम, वो अपनी कृपा हम पे सब पे बरसाए रखें।
और वैष्णव वैष्णवी उपस्थित भजन जो ये कथा सुनने आए हैं उन सभी सज्जन मंडलियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। महाराज जी ने आदेश दिया है कि कुछ बताऊं अपनी क्षमता से जो समझ पाया हूं कि कैसे हम घर पे रह के भजन कर पाए। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर एक प्रश्न आना चाहिए कि जो बचपन से लेके आज तक जिसकी जितनी भी उम्र है हम क्या देखते आए हैं, चारों तरफ इतनी सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, इतने सारे मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मस्जिद और पता नहीं क्या क्या नहीं बने हुए हैं, तो जाएं कहाँ? कभी ऐसा किसी के मन में प्रश्न नहीं आया कि चलो ठीक है हिंदू धर्म या हिंदू घर में पैदा हो गए या पैदा हो गई तो जबरदस्ती क्या मैं हिंदू बन गई? हम वहां गए हुए थे नरेला में, ठीक है, वहां पे पुजारी के सामने ही कोई घंटी बजा के ऐसे आया, उन्होंने मुझे देख लिया तो पुजारी से पूछ रहे ये कौन है, तो पुजारी बोलता है यहाँ पे आज कथा का प्रोग्राम था तो ये लोग कथा करने आए हैं, तो वो हमारे पास आके पुजारी भी हमारे साथ, वो मंदिर का पुजारी भी खड़ा है, तो वो दीदी थी और उनके कुछ और भी लोग थे, वो कहते कहते हमें तो आज तक यही नहीं समझ में आया सनातन धर्म मंदिर ये सनातन धर्म है क्या, और पुजारी भी जेब में हाथ डाल रखे हंस रहा है, कहता हाँ यही तो हमें भी नहीं पता है, तो वो खुद कह रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए मंदिर चला रहा हूँ चलाना पड़ेगा, पुजारी खुद कह रहा है। तो जब पुजारी जो वो मंदिर ऐसा बना हुआ है उसकी ये हालत है तो वो आपका हमारा कुछ कल्याण कर पाएगा, कुछ कर पाएगा? और आज सुबह एक व्यक्ति ऐसा मिला है कि देख के बोल रहा है, कहता मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि शांति कैसे मिलेगी, वो क्या करता है फोटो ही फ्रेम करता है, तो वो कहता है देखो यहाँ पे सारे देवी देवताओं की फोटो है, सब भगवान है, सब कुछ है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है। तो इसीलिए ये प्रश्न सबसे पहले हमारे हृदय में उठना चाहिए कि धर्म की बात करते हैं या भक्ति की बात करते हैं, ये है क्या चीज? चलो ठीक है, हमारे में से कई हैं जो कथा सुनते जा रहे हैं, कई सालों से कथा सुन रहे हैं तो उनको अब कुछ समझ में आ गया है, पर अगर वास्तविक रूप में देखा जाए ये भक्ति है क्या, हम बात करेंगे आगे इसकी कैसे करनी है क्या है, पर ये भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, क्या है भक्ति शब्द का अर्थ, क्या है प्रभु जी भक्ति शब्द का अर्थ? प्रभु की प्रेममयी सेवा। कौन से प्रभु की? कृष्ण की, साईं बाबा की नहीं? क्यों? कोई ऐसी डेफिनेशन या कुछ हमारे कहीं से शास्त्रों में से निकल के सामने आ जाए और जो बिल्कुल सही बैठे, जिसमें क्या हो कि कोई क्या कहते हैं कोई उस पे कटाक्ष ना कर सके, उस पे कोई आर्गुमेंट ना कर सके कि ये तो गलत बोल दिया या ऐसा है, तो उसमें शास्त्रों में साफ साफ कहा गया कि भगवान की, किसकी? भगवान की, स्वयं की जो स्वरूप की, उनकी जो स्वरूप की शक्ति है, उनकी शक्ति का जो स्वभाव है उसको भक्ति कहते हैं, और भगवान की शक्ति का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। तो ये भक्ति शब्द किसके साथ लगेगा? केवल और केवल भगवान के साथ, किसी देवी देवता के साथ नहीं लगेगा, किसी भी देश, माता पिता, पुत्र, ये वो, किसी के साथ भी नहीं लग सकता। तो भक्ति शब्द किसके साथ लगेगा? केवल भगवान के साथ। अगर कोई कहे कि इंद्र की भक्ति या इसकी भक्ति, देवी की भक्ति, उसकी भक्ति, तो कहेंगे भक्ति शब्द तो लग ही नहीं सकता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नोएडा का प्रधानमंत्री है कोई? बोल सकता हूं? क्यों? क्यों? प्रधानमंत्री तो देश का होता है, एक कस्बे का या एक सिटी का नहीं होता है, ये हमें पता है। तो वैसे ही ये भक्ति किसकी होती है? भगवान की, देवी देवताओं की, देश की, माता पिता की नहीं। ये तो हम ऐसे ही बोल देते, जैसे रिक्शे वाले को बोल देते ना, और भाई चौधरी, वो चौधरी है, उसकी जगह का पता नहीं। क्या हम बोलते ना, और भाई बड़ा प्रधानमंत्री बन रहा है, बड़ा चीफ मिनिस्टर बन रहा है, हम ऐसे आपस में मजाक में बोल देते हैं। तो समझ लो, जब हम ये भक्ति शब्द देवी देवताओं से या ऐसे ऐसे नीचे के लोगों से बोल देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? भक्ति शब्द का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब भगवान की भक्ति करनी कैसे? बड़ी सरल है, शास्त्रों में बड़ा सरल उपाय बताया। ये हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हम कलयुग में आए हैं। कौन से युग में आए हैं? कलयुग। कलयुग का मतलब कलेक,
कि कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। भक्ति आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, यही है ना हमारा। अरे आज नहीं कल कर लेंगे, माला आज कर लो, नहीं प्रभु जी कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। ये कल कल करते इसका नाम क्या, कलयुग, कि कल कर लेंगे, या जो कल निकल गया उस पर रोते रहेंगे, कल पता क्या हुआ मेरे साथ। या हम क्या कर रहे हैं, कल का मतलब क्या, भूत में ही जी रहे हैं आज तक। तो क्या एक भूत में जी रहे हैं और जो कल आने वाला उसमें पता नहीं क्या सपने ले रखे हैं। इस कलयुग ने हमें ऐसा जकड़ रखा है। अब इस कलयुग में जो हम आ भी गए हैं, और मैं नहीं कह रहा या महाराज जी नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं कि आने पर बड़ा फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनसे पहले वाले युगों में आते ना तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता हो। आप हम में से कोई तपस्या कर सकता है? तपस्या हजारों हजारों साल करी थी, यहाँ तो उम्र ही नहीं है इतनी, एक घंटा ढंग से कोई भी नहीं बैठ पाया है। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, एक घंटा हम पद्मासन में बैठ सकता है कोई हम में से? तो तपस्या करनी तो बहुत दूर की बात है। हवन में भी बैठ जाते हैं ना तो सोचते हैं महाराज जी जल्दी से खत्म कर दें, घुटने में दर्द हो गया है, या चेयर रख दो। तो ऐसे तपस्या, हवन, ये सब चीजें, हवन यज्ञ, ये सब कलयुग में नहीं है। भगवान ने सीधा सीधा क्या किया, भगवान नाम रूप में अवतार ले गए। भगवान ने क्या किया, सारी अपने अपने आप को ही इस नाम में बना दिया। क्या नाम? भगवान का नाम। तो क्या कहते हैं ना, एक कथा भी आई रामायण में, एक कथा आती है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे एक महात्मा जी पहुंचे एक गांव में, उन्होंने कथा करी, राम कथा करी, तो वहां पे एक किसान बैठा था। किसान कहता, भाई महात्मा जी आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, पर मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं ये करूं कब, ये नाम मैं कब करूं? तो उन्होंने कहा, जिस समय तू खाली होता है ना, कम से कम उस समय कर लीजिए। तो वो क्या करा किसान ने, कहता देख लो मेरे पास केवल शौच का समय खाली होता है। कहता चल ठीक है, तू शौच के समय कर। अब वो क्या कर रहा है, शौच के समय पे पेट साफ कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, राम राम सीता राम राम सीता राम जपे जा रहा है। और जहां राम नाम हो वहां कौन पहुंच जाएगा, हनुमान जी। हनुमान जी के कान में आवाज पड़ी कि भाई यहां कहीं से कोई बड़े डूब के नाम कर रहा है भगवान का, देखते आऊं कौन है, ऐसे भक्त के दर्शन कराऊं। तो जैसे झांका तो कह रहे, हे भगवान, ऐसी अपवित्र अवस्था में नाम कर रहा है ये। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी जानते नहीं है, पर भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, ऐसी अवस्था में नाम किया, गए और जोर से खींच के लात मारी। अब लात मारी उसको, उसको कुछ नहीं पता, वो तो राम राम सीता राम राम सीता राम। हनुमान जी कह रहे हैं, अरे क्या हो गया भाई, मेरी लात इसको नहीं लगी, चलो छोड़ो जल्दी से प्रभु जी के पास पहुंचता हूँ, शायद वही कुछ बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, ये उन्हीं की लीला लगती है। वहां पहुंचे तो जैसे ही महल में घुसने वाले तो देखा हाहाकार मच रहा है। कहते क्या हो गया, ये सब भागदौड़ी क्या मच रही? कहते कहां थे तुम हनुमान, पता प्रभु की तबीयत कितनी खराब है, क्यों क्या हो गया? पूरा शरीर में दुख रहा है उनका, दर्द हुआ हुआ है पूरे शरीर में। तो भागे भागे गए प्रभु के पास, गए हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु क्या हो गया आपको, कैसी दशा हो गई? तो राम जी भी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, हनुमान खुद करता और मुझसे पूछता है। कहते महा प्रभु क्या बात कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूं? तो कहते अच्छा, लात तो तूने बड़ी जोर से मारी थी। कहते प्रभु मैं आपको कैसे लात मार सकता हूं? कहते अभी थोड़ी देर पहले ही तो मारी है, याद कर। कहते प्रभु जी वो तो मैंने उस किसान को, तो किसान के मुंह से क्या निकल रहा था? कहते प्रभु आपका नाम। तो कहते मेरे नाम में और मेरे में कोई भेद है? कहते नहीं प्रभु, अब समझ में आया आपने ये लीला क्यों करी है, यही बताने के लिए कि नाम में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो फिर इस नाम को करने में कंजूसी कैसी, कैसी कंजूसी? अभी मैं दे जाऊंगा ना एक गठरी भर के पैसा, रात में गिन डालोगे, सुबह तो छोड़ दो। गिनोगे नहीं गिनोगे, खुजाते रहोगे सर, वो चूटियां काटती है ना, वो काटती रहेंगी, गिनतो ले प्रभु जी देखे कितने गए हैं, हाँ सिक्के ही है या 10 के सिक्के हैं, 1 के है, देख तो ले। ऐसी ऐसी वो काटेगी चूटियां। और अगर बोल दो ना, लो ये भगवान का नाम कर लेना, फिर वही कलयुग आ जाएगा, कल से कर लेंगे, आज तो सो ले। तो इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं चलेगा।
भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, पहले इस विश्वास को कर लो। आज एक व्यक्ति हमसे पूछता कि प्रभु जी बीवी बच्चे हैं, ये है वो है, आपका तो अच्छा चल रहा होगा, हम क्या करें, हम कैसे करें। तो हमने कहा देखो ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दो, क्या कर दें, संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दो भाई, घर किया है, बच्चे हैं, खाना पीना, पैसा तो आज की डेट में इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा बन गया तो चाहिए। तो इसलिए अपनी सारी हम संसारिक जो भी काम है वो करेंगे, पर अगर भगवान के आश्रय में करते हैं तो उससे जुड़ा जितना भी पाप ताप होता है भगवान उससे आपको बचा लेंगे। और क्या होगा, साथ ही साथ एक करोगे 10 मिलेगा, मतलब 8 घंटे काम करते थे जितना मिलता था, उसके बाद जब 8 घंटे काम करेंगे तो उससे कई गुना मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम 16 घंटे काम करेंगे नहीं, फिर हम उस 8 घंटे को थोड़ा सा कम कर लेंगे संसार के लिए और भगवान के लिए समय निकालेंगे, नियम बनाएंगे। नियम से खाना खाते हो, अरे मरे के बाद भी खा लेते हैं, घर में मर भी जाता है कोई, कितने दिन तक भूखा रहता है कोई, पिता मरे माता मरी बच्चा कितने दिन तक भूखा रहता है मेरे को बताना, कितने दिन तक, कितनी देर तक पूछो। और जो अगर बेचारा थोड़ा सा ज्यादा रो भी रहा होता है ना, रोने में बिजी होता है, अरे खा ले बहन ऐसे मत कर, हालत खराब हो जाएगी तेरी, देख उसने भी खा लिया, इसे पानी पिलाओ, माजा पिलाओ, आजकल तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी इसके। मैं हम तो थोड़ा हरियाणा साइड में रहते हैं ना, थोड़े उधर देखा ऐसे होते। तो ये समझ में नहीं आ रही बात की, मतलब हम ये खुद सोचो कि देखो मरे में या किसी में भी उसमें हम कुछ चीज नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए नियम बना लो, क्या ये भगवान के नाम को नियम से करेंगे, एक संख्या निर्धारित करेंगे। अगर आप कहीं काम करने जाओ या आपके पतिदेव कहीं काम करने जाए, वापस आए बोले मेरी नौकरी लग गई, आप बोले सैलरी कितनी है, कहते पता नहीं कुछ भी दे देंगे, तो अच्छा लगेगा सुन के, बिल्कुल नहीं। हमें क्या चाहिए होगा, फिक्स्ड सैलरी, भाई बता दो पहले महीने की तनख्वाह कितनी है, अगर आप कम दे रहे हो कोई दूसरा ज्यादा दे रहा है तो वहां चले जाएंगे। वैसे ही भगवान भी देखेंगे, अरे इसके घर में केवल 2 माला हो रही, अच्छा वहां पे 16 हो रही है, चल वहां चलता हूं। हाँ तो अपने पास खींचो ना, खींचो, क्या है, जितने जोर से जितने प्रेम से जितने ज्यादा से उनको बुलाओगे तो कहाँ आएंगे, आपके पास आएंगे। इसलिए नाम पे बहुत जरूरी है, संसार के कर्म करते रहो आराम से, कोई छोड़ने के लिए, महाराज जी ने हम में से किसी एक को भी बोला है कि घर छोड़ो और आजा, आप में से किसी को बोला कि पति को छोड़ो और भगवान के पीछे पड़ो, नहीं, भगवान ने भी नहीं ऐसा कहा, भगवान ने ये कहा कि तू बाहर से जो है, देखो हम क्या है, हम एक मूंगफली की तरह है, बाहर का एक छिलका और अंदर एक गिरी, गिरी क्या है आत्मा और छिलका क्या है ये शरीर। तो जो शरीर से जो हमें मिला है, शरीर से पति मिला, बच्चे मिले, शरीर से रिश्तेदारी मिली, तो शरीर से ही उनका काम कर दो, ठीक है, केवल उनको शरीर दो, पर अंदर जो आत्मा है, जो मैं हूं, उसको क्या करो, भगवान को दो। तो अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन करते रहो सारा दिन, रोटी बना रहे हो भगवान का नाम लेते लेते बनाओ, जो काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो आप लोग, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहां जा रहे हो, अंदर ही अंदर भगवान को याद रखते रहो, खुद भी कह दो, पढ़ते वक्त भी, हम बच्चों की क्लास लेते थे दिल्ली मठ में, तो छोटे छोटे बच्चों को ये बोलते थे अगर नहीं कुछ याद हो रहा ना तो ठाकुर जी को सामने फोटो लग के फिर बैठ जाओ कि अब तुम भी देखो कि पढ़ाई क्या होती है और याद करो उनके साथ। और बच्चों ने जब ऐसा करना शुरू किया उनको फायदा भी हुआ, कहते प्रभु जी अब तो याद भी होने लग गया। तो हर जगह जब हम भगवान को हर काम में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एक मैंने लाइन सुनी थी बहुत पहले, बहुत साल पहले, उसमें था कि भगवान भगवान आपके नाम में तो वो आपके काम में, और अगर आप अपने काम में तो वो अपने धाम में। कि अगर भगवान मेरे नाम में, मतलब अगर मैं भगवान का नाम लेता रह रहा हूं, हर काम में उनका नाम ले रहा हूं, तो वो काम कौन कर जाएगा, भगवान कर जाएंगे। और अगर मैं अपने काम में लगा रहूंगा तो भगवान भी अपने धाम में बहुत खुश हैं, हम क्या खिला देंगे उनको जो उनको अपने अपने धाम में मिलेगा। तो इसीलिए नाम सबसे जरूरी, वो अच्छे से नियम से करें, अपने जो भी काम है, गृहस्थी का जो भी काम है उसमें भगवान का नाम रखें। और जैसा महाराज जी ने कहा बच्चों को,
संस्कार देना बहुत जरूरी है। वो कैसे लोगे जब खुद करोगे? खुद मैं दो माला कर रही हूँ, बच्चे से बोल पाऊंगे चार कर? तो पहले खुद आठ करनी पड़ेगी, तब जाके उससे बोलोगे कि दो कर। तो ऐसे ही पहले खुद भी हम आचरण करेंगे और बच्चों को भी देंगे। वरना याद रखना, ये बुढ़ापे की लाठी सर पे पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? सर पे। तो अपने अपने सर बचाने हैं ना, तो भगवान के नाम का हेलमेट पहन लो और बच्चों को संस्कार देने लग जाओ। और यही बच्चे तो आप भी समझो, जो भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ये भी समझो कि आज की डेट में हम अपने माता पिता की कितनी इज्जत करते हैं। कितनी करते हो? कितनी करते हो बेटा? हाँ कितनी करते हो? अरे मुझे मत सिखा, मुझे मत सिखा। सुना है किसी माता ने अपने बच्चे से? सबने सुन लिया होगा। तो आप सोचो आपके साथ क्या होगा। तो ऐसे ही ये संस्कार हम आगे से आगे देते जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। और एक प्रभु जी दो पांच मिनट कथा सुना। हाँ देखो, इसलिए इनको हम खड़े करते हैं। ये लोग आप लोग जैसे संसार में रहते हैं, ऐसे नहीं सब साधु बन गए। आप लोग जैसे संसार में रहते हैं लेकिन भगवान की भक्ति भी करते हैं, संसार भी करते हैं और प्रभु की भक्ति करते हैं। श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। परंपरा के समस्त गुरु वैष्णव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आसन पर बैठे श्री श्रीधर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे समस्त वैष्णव वैष्णवी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि भगवान और देवता में फर्क। हम जितने भी देवता हैं, जैसे वायु देव, अग्नि देव, सूर्य देव, चंद्र देवता, अन्न देवता, जल देवता, समस्त देवता हैं। इन देवताओं के ऊपर बैठे हैं देवराज इंद्र और नौ ग्रह हैं जो कष्ट देवता हैं, जो हमारे पापों का हमें दंड देते हैं बारी बारी से, जैसे शनि देव, राहु देव, समस्त देवता हैं। और देवराज इंद्र बैठे हैं इनके ऊपर, इनके राजा। फिर उसके ऊपर बैठे हैं महादेव, जो काल के भी काल हैं और देवताओं के भी देवता हैं। और एक दफे 15 साल पहले मेरे से एक व्यक्ति ने कहा था, मैं भोलेनाथ की पूजा भक्ति किया करता था, तो उन्होंने कहा कि अगर महादेव, अगर इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है तो ये तप क्यों करते हैं? इसका मतलब तप करते हैं और माला करते हैं तो इसका मतलब कोई शक्ति है। लेकिन ये शिव शक्ति भी एक भगवान की ही शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है, जो भगवान ने इनको काम सौंपा है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया महादेव के आगे महादेव लगता है लेकिन वो भी तप करते हैं, ब्रह्मदेव लगता है वो भी तप करते हैं, उनके हाथ में माला है, और देवियां हैं और देवता हैं, सब सबके आगे देवता लगता है। लेकिन भगवान के किसी भी नाम में देव नहीं लगता। जैसे कि हम लगाते हैं विष्णु भगवान, विष्णु देव नहीं लगाते। लक्ष्मी नारायण भगवान लगाते हैं, लक्ष्मी नारायण देव नहीं लगाते। कृष्ण भगवान लगाते हैं, कृष्ण देव नहीं लगाते। राम भगवान लगाते हैं, रामदेव नहीं लगाते। नरसिंह भगवान लगाते हैं, नरसिंह देव कोई नहीं लगाता। और दूसरी बात, हमारे देश में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी दो बार आती है, नवरात्रे मनाए जाते हैं भगवान के लिए, गोवर्धन पूजा होती है भगवान के लिए, जितने भी त्यौहार, दिवाली, होली, जितने भी त्यौहार हमारे भगवान के लिए मनाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है यज्ञ होता है, वो भी भगवान विष्णु के लिए होता है। जब शादी होती है, पति पत्नी बनते हैं, तो पंडित कहता है अग्नि और विष्णु को साक्षी मान के मैं इसको अपना पति स्वीकार करती हूँ और उससे भी कहलवाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो जब मरता है तो मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये सारी चीजें जानने के बाद भी लोग ये नहीं जान पाते कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो भगवान में और देवताओं में ये अंतर है। तो इसी के साथ मैं सबको हाथ जोड़ करके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण वृंदावन में आ गए। जब कृष्ण वृंदावन में आए, एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराते चराते काली दह के पास में पहुंचे। कृष्ण जाने से पहले
उनको सखा लोग पहले चले गए, गैया बछड़े चले गए, और जो काली तह का जो पानी, काली जब रहता था पानी जैसे उबला उबला करता था, आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं, आकाश में कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा सकते, और गैया कृष्ण का सखा लोग केवल पानी को स्पर्श करते ही वहीं पर सबके सब बेहोश हो गए। जब कृष्ण वहां पर आए, अपना अमृत दृष्टि से उनको प्राण दान दिए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, अगर ये काली यहाँ पर रहेगा तो फिर मेरी मधुर मधुर लीला नहीं हो सकती, इनसे उनको हटाना पड़ेगा, ये कालियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो सखाओ, जब गरुड़ अमृत लेकर के समुद्र आया था स्वर्ग से, इसी वृक्ष को ऊपर में भी रखा था, हो सकता है ये वृक्ष में कहीं अमृत हो सकती है, तुम लोग खड़े रहो, मैं अभी अमृत उतार करके लाता हूँ। कृष्ण पेड़ के ऊपर में चढ़े, अपना कमर में अच्छे तरह से कपड़े को कस करके पानी में उन्होंने छलांग लगाई। जब छलांग लगाए, काली वहां पर एक गुफा को अंदर में रह रहा था, उसी गुफा में पानी प्रवेश कर गया और कृष्ण तैर रहे थे। काली ने देखा, भैया ये बालक देखो, ऊपर में कोई चिड़िया तक भी उड़ करके नहीं जा सकते हैं, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं, लेकिन किसका इतनी हिम्मत जो पानी में तैर रहा है। लेकिन काली का जो पत्नियां थी ना, वो बड़े कृष्ण भक्त थी, उन्होंने काली को समझाया, किया बोले देखो ये कृष्ण भगवान है, इनसे बैर मत ठहरना। बोले गैया को पीछे पीछे घूमता है, भगवान हो गया, भगवान भगवान कुछ नहीं। लेकिन पत्नियां बड़ी कृष्ण भक्त थी, पति को भी कृष्ण कथा सुनाया करती थी, लेकिन उसको अंदर में बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था। मना करने पर भी काली गया और कृष्ण का जो मर्म स्थान को दंशन की। कृष्ण ने कहा, भैया पहला चांस तेरा है, बाद में ऐसे बोल सकते हो मेरे को चांस नहीं दिया, पहला चांस तेरा है, जो कुछ करना कर ले और बाद में मेरा चांस आएगा। उसने उनकी मर्म स्थान को दंशन की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इतने में कृष्ण का शरीर में लपट गया और ब्रज में बड़े अनहोनी होने लग गई, सारे ब्रजवासी आए, सबके सब प्राण त्याग करना चाहते थे। लेकिन बलदेव प्रभु ने कहा, देखो चिंता मत करो, कृष्ण अभी अभी वापस आएगा, चिंता मत करो, कृष्ण आने वाले हैं। इतने में जब कृष्ण को लपेट लिया, कृष्ण अपना शरीर को फुलाया और उसका हड्डी टूटना शुरू किया, और कृष्ण निकल करके आए और उसका सर ऊपर चढ़ गए और भगवान नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते समय स्वर्ग से सारे देवता लोग आ गए, बड़े सुंदर वाद्य बजा रहे थे और कृष्ण नृत्य कर रहे थे। क्या नृत्य कर रहे थे? बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 पग पट पत पम 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 पद नियु पर बिन 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 तकरत बिन 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 तकरत कर रहे थे, एक एक चरण की प्रहार से उसको मुंह से खून उल्टी होने लग गया। कृष्ण समझ गए, भैया
मेरी जो पत्नियां कह रही थी भगवान ये सही है, मैंने गरुड़ों को साथ में भी युद्ध किया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक 6 साल का बच्चा मेरे सर पर खड़ा हुआ, लगता है विश्व ब्रह्मांड आ गया मेरे सर ऊपर में। दूर से पत्नियां देख रही थी, बोले मर जाए तो अच्छा है। बोले क्यों क्यों? बोले मर जाए तो अच्छा है। बोले कारण है, खुद तो भक्ति करता नहीं और ये हमें भी भक्ति करने नहीं देता है, जो करे नहीं और करने नहीं दे वो मर जाए तो अच्छा है, जिंदा रहकर क्या करेगा। इसलिए जब मीरा भजन कर रही थी, पूरा उसका जेठ देवर ननद सास उसकी सबके सब विरोध हो गए, सारे विरोध ही हो गए। क्यों? वो साधारण घर की लड़की नहीं थी, वो थी रानी, राज रानी थी। लेकिन संत उनको बीच में बैठ करके हैं, वो कीर्तन गाती थी, भजन करती थी। बोले ये तो दुनिया में हमारा बदनामी ही कर रही है, राज रानी होकर के संतों के बीच में हरी बोलो करती है। सबके सब उसको विरोध हो गए। उन्होंने तुलसीदास, उसी समय तुलसीदास का समय था, उन्होंने तुलसीदास को पत्र लिखा, बोले स्वामी जी बताओ मेरे को क्या करनी चाहिए, मेरे पूरा परिवार विरोध हो गए। तब श्री तुलसीदास एक दोहा लिख करके देते हैं, बोले जिनके प्रिय ना राम बैदे ही तजिय कोटि वैर सम जद्दे भी परम सजे। बोले जिनका प्रिय राम और सीता नहीं उसको करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो। बोले क्यों? बोले ये जो जीवन मिला प्रभु की भजन के लिए मिला, ये संसार भोग के लिए नहीं मिला। कुत्ते गधे सुअर भी खा रहे पी रहे बच्चे को दे रहे जन्म। मैं देखा एक कुत्ते रास्ता में 8-8 बच्चा जन्म दिया, हम कितने बच्चे जन्म दे देते हैं साल में एक, और 25-20 साल लग जाती है उसको बड़ा बनाने के लिए। एक महीना में कुत्ता 5-10 बच्चे को बड़ा कर देता है, सुअर को देखो 1 दर्जन बच्चा दे देता है। ये बच्चा जन्म देना, खाना पीना कौन नहीं करता बताओ? हम तो एमए पीएचडी करके 10-10 घंटा काम करके ये संसार को पालते हैं, वो कौन सा नौकरी करते हैं, कौन सा एमए पीएचडी करते हैं? खाना पीना तो गधे जानवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन का उद्देश्य है केवल प्रभु की भजन के लिए जीवन मिला। अगर जिस काम के लिए मिला अगर वो काम नहीं हो तो इस शरीर रख करके क्या लाभ है? इसलिए तुलसीदास जी बोले बोले तेजी कोटि वैरी समय, उनको करोड़ शत्रु मान करके त्याग दो। इसलिए यहाँ पर श्री नाग पत्नियां देख रहे, एक तो भजन करता नहीं और ये हमें भजन करने भी नहीं देता, रह करके क्या लाभ, मर जाए तो ठीक है, कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप देख रही थी वहां पर। लेकिन जब देखा कृष्ण चरण की ठोकर मार मार करके सारे अभिमान दूर हो गया, वो समझ गया भैया मरने वाला हूं, ये पत्नियां मेरी सही कह रही थी, भगवान ने ये सही कह रही थी, सारी अभिमान उसकी दूर हो गया। दूर हो गया तो पत्नियों ने देखा भैया पति अभी सही हो गया, ये पति सही हो गया, क्योंकि अभी कृष्ण भक्त हो गया, वो सारा अभिमान दूर हो गई। इतने में नाग पत्नियां निकल करके भगवान को स्तुति की, बोले प्रभु हम विधवा हो जाएगी, मेरे पति को मत मारा करो, मत मारो। प्रभु ने कहा देखो तेरे पति को मारेंगे नहीं, क्यों? तुम लोग भक्ति करते हो, तुम लोग भजन करते हो, तुम्हारे पति को मैं नहीं मारूंगा। लेकिन इसकी अंदर में जो घमंड था ना, इसकी अंदर में जो अभिमान था, ये अभिमान को मैं दूर कर रहा था, इसको मैं नहीं मारूंगा तुम्हारे पति को, क्योंकि तुम विधवा हो जाएगी। और नाग पत्नियां देखने में बहुत सुंदर थी, अगर कोई स्त्री बड़ी सुंदरी हो लेकिन कम उम्र में पति मर जाए फिर क्या होगा? दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर में बुरे नजर से देखने लग जाते हैं, हाँ फिर बुरे नजर से देखने लग जाते हैं। इसलिए मैं नहीं मारूंगा तुम्हारे पति का अभिमान दूर कर रहा हूँ। भगवान उसको छोड़ दिए, बोले यहाँ पर मत रहा कर, तू रमण गुदी में चला जा। बोले गरुड़ रहता है खा जाएगा। बोले नहीं, तेरे सर के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, अभी तुम गुरु भाई बन गए, अभी तेरे को कुछ नहीं करेगा, तुम यहाँ से तुम चले जाओ रमन के द्वीप में। जब चले गए फिर भगवान अपना अमृतमय दृष्टि से काली हृदय को पवित्र कर दिए, फिर भगवान की क्रीड़ा भूमि बन। देखो इसमें शिक्षा क्या है, कभी ये यमुना हृदय पवित्र है, यमुना पवित्र थी, लेकिन ये काली ने आग्र किया कि उसको अपवित्र कर दिया, जहर कर दिया। उसी तरह हमारा जो हृदय है ये पवित्र है, जैसे कालिया का सर था, उसी तरह ये अनर्थ का तरह तरह का वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह छल कपट प्रपंच, हमारे पवित्र हृदय में ये कालिया भी आकर के हमारा हृदय को अपवित्र कर डाले। लेकिन ये अपवित्र दूर कब कैसे होगा? अगर कभी कृष्ण हमारे हृदय में अगर कभी छलांग लगाए और
अपना चरण की ठोकर मार मार करके हृदय में जो काम क्रोध लोभ को अगर दूर करते और अपना अमृतमय दृष्टि से अगर हृदय को पवित्र कर देना, एक दिन हमारा हृदय भगवान की क्रीड़ा भूमि बन जाएगी, भगवान हमारे हृदय में विहार करेंगे। इसलिए भगवान श्री कालिय दमन किया है। देखो कल है भागवत का विश्राम का दिन है, भागवत कथा समाप्त नहीं होता है। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान अनंत, उनकी कथा अनंत। भागवत कथा कभी विश्राम समाप्त नहीं होता, विश्राम होगा। इसलिए कल है भगवान कृष्ण रुक्मिणी के विवाह, कल है भगवान की रासलीला, कल है कल भगवान सुदामा चरित्र है, और कथा को लास्ट में हम लोग होली भी खेलेंगे। आज बिरज में होली रहस्या, हो सके तो थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के आना, अगर रंग लेकर आ सकते हो रंग भी लेकर के आना, अगर खेलना चाहते हो होली, ठीक है ना। कल बड़े धूमधाम से यहाँ पर हम होली मनाएंगे और भगवान की रासलीला होगा और भगवान की शादी होगी, और शादी में आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाना, क्योंकि जैसे शादी में जाते हो ना एकदम चमक धमक पहन करके, और कल शादी किसकी होगी? भगवान की, श्री बाके बिहारी की शादी होगी, साधारण व्यक्ति शादी नहीं। इसलिए चमक धमक एकदम लाल रंग के साड़ी जैसे शादी में जाते हो चमक धमक पहन कर आना, और कल बड़े धूमधाम से शादी कराएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं कोई सोने का चीज मत पहन करके आना, अगर पहन करके आए तो सावधान से, नहीं तो कभी कभी चेन पहन करके आते हैं लेकिन कभी कभी बेचैन से होकर के यहाँ से जाते हैं, अगर चोरी हो जाएगा तो। इसलिए कोशिश करो कोई सोने की चीज मत पहन करके आओ, नहीं तो बेचैन से होकर फिर जाओ, ठीक है। और जैसे कल रुक्मिणी की शादी है, अगर रुक्मिणी विवाह में अगर कोई साड़ी देना चाहते हो आप साड़ी ला सकते हो, अगर बढ़िया साड़ी लाओगे तो फिर हम श्री वृंदावन के राधा रानी को साड़ी राधा रानी को पहनाएंगे। और सुदामा जी के चरित्र में जैसे वहां पर सुदामा जी दो मुठ्ठी चिड़वा लेकर गए थे, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य उनको प्रदान किया, कल श्री सुदामा का चरित्र। इसलिए कल कथा की विश्राम का दिन है, ठीक है। हाँ देखो रोज रोज हम एक ही माला जप करते हैं, इसलिए आज ही एक माला एकादशी है, मैं तो भूल गया एकादशी, आज एकादशी है। आज एकादशी कौन कौन रखे हो एकादशी? अरे हाथ उठाओ ठीक से, कौन कौन एकादशी रखे हो? बहुत अच्छी बात है, हाँ एकादशी सबके सब रखे हो। आज श्री एकादशी कथा है, आज एकादशी का व्रत, एकादशी का जो व्रत है ये कल्प वृक्ष व्रत है। कल मैंने बताया था एकादशी करके जो कुछ मांगो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एकादशी में कभी एक पुत्रदा एकादशी जिसको नंदा बाबा करके पुत्र की प्राप्ति हुई, एक का एकादशी का नाम कामदा, एकादशी करने पर सारी कामना पूरी होती है, एक एकादशी का नाम मोक्षदा जिसको करने से जीव जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करते हैं, एक नाम इंदिरा जो एकादशी व्रत करने से लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, एक का नाम अन्नदा जिसको एकादशी करने से घर में खूब अन्न आती है घर में, इसलिए एकादशी व्रत से सब कुछ एकादशी व्रत से मिलती है। इसलिए आज से हम लोग भागवत से जैसे एकादशी व्रत रखे, कोशिश करना सारा जीवन ये व्रत रखने के लिए, अगर कोई दूसरे व्रत अगर नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकादशी का जो अधिष्ठात्री देवता भगवान विष्णु स्वयं, ये कृष्ण राम है, अगर भगवान संतुष्ट हो गए ये 33 करोड़ देवता अपने आप ही खुश हो जाते हैं, अपने आप ये प्रसन्न हो जाते हैं सारे देवता। इसलिए भले ही सारे व्रत छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी व्रत कभी नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा है भैया एकादशी का विधवाएं करते सधवा नहीं करते, बोले नहीं। अब भागवत पढ़ करके देखो, नंद जसोदा स्वयं एकादशी करते थे, ये अम्बरीश महाराज पत्नी को साथ में ये एकादशी व्रत रखे हैं। ये एक सबसे जो बड़ी एकादशी आती है वो पांडवा निर्जल जिसको पंच पांडव द्रौपदी को साथ में रखा करते थे, रुक्मिणी सत्यभामा पहले जन्म में एकादशी व्रत की थी, इसलिए दूसरी जीवन में कृष्ण का पटरानी बनकर के जन्म हुई ये रुक्मिणी सत्यभामा, इसलिए एकादशी सब एकादशी को सब कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं भैया उद्यापना करना पड़ता है, कहते वैष्णव लोग एकादशी की उद्यापना नहीं करते हैं, एकादशी भक्ति जननी माँ लक्ष्मी स्वयं ये राधा रानी का स्वरूप है, इसको हम त्याग नहीं देते। जितने
साल तक कर सकते हो करो, जब तुम्हारे से असमर्थ हो जाए, पूरा का पूरा असमर्थ हो जाए, नियम तो बोले 8 साल से 80 साल तक करने के लिए, अगर असमर्थ हो गए हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जितने समय तक करना चाहते हो उतना समय तक आप एकादशी व्रत का आप कर सकते हो। इसलिए कल प्रभु जी बता रहे थे ऋषि मुनियों ने ये जो विधि विधान रखा है ये सब साइंस ही है, ऐसे नहीं ऋषि मुनि बोल दिया ये व्रत रखो ये व्रत रखो, नहीं, हमारे ऋषि मुनि व्यास पराशर वशिष्ठ ये सबके सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अभी का साइंटिस्ट जैसे नहीं, ऐसे जैसे न्यूटन हम सर कहते हैं, कभी सबसे बड़े ये साइंटिस्ट थे, लेकिन उसने जो फिलोसफी बता कर गए अभी का जो साइंटिस्ट ही है उसमें बहुत इनका थ्योरी में बहुत गलत बता रहे हैं, बोले न्यूटन ने सब गलत गलत सब गलत बता कर गया। इसलिए देखना बच्चों का कभी कभी पुस्तक बदलते, बोले क्यों, एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बता कर गए दूसरे साइंटिस्ट ने उसको काट दिया, इसलिए बच्चों का पुस्तक बदलती है, लेकिन हमारी गीता बदली है, रामायण का कोई चौपाय बदली है, वेद का कोई मंत्र बदला है, भागवत की कोई कथा बदली है, नहीं बदली है, क्यों, ये लोग एकदम प्रॉपर साइंटिस्ट ये ऋषि मुनि लोग थे, इन लोगों ने भक्ति करते करते अपना दिव्य दृष्टि से जो उन्होंने देखा है प्रभु की लीला उन्होंने वैसे ही लिखा है, हैं? इसलिए ये साइंस में भक्ति रूपी साइंस में कोई गलत नहीं हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए कल हमारे श्री या गजेंद्र प्रभु जी बता रहे थे इसमें क्या साइंस है, हम एकादशी व्रत क्यों करते हैं, एकादशी में क्या साइंस, हम और एक बार बता देता हूँ, आप अच्छे तरह से समझो, दूसरों को भी आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। कि ये शरीर एक मशीन है, अच्छे तरह से सुना, आप जो प्रचार कर रहे हो ना कोशिश करना अड़ोसी पड़ोसी में भी प्रचार करने के लिए, देखो हमारे दामोदर प्रभु जी उन्होंने अशोक नगर में प्रचार किया और कितने भक्तों को जोड़ा, जीत प्रभु जी कितने भक्तों को जोड़े, कितने लोग प्रभु की भक्ति में आए हैं, उसी तरह आप भी ऐसे नहीं यहाँ कथा सुने कथा खत्म आप भी खत्म हो, नहीं, कोशिश करना अपना अड़ोसी पड़ोसियों को जो कुछ कथा सुनते हो उनको भी जाकर के सुनाओ, उनको भी जाकर कथा सुनाओ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारे जो गुरु जी के गुरु जी जिसने संपूर्ण विश्व में ये हरि भक्ति का जिसने प्रचार किया, देखो क्या कहते हैं, ये माया में जो फंसे हुए जीव अगर एक जीव को प्रभु की कथा सुना करके एक जीव को अगर प्रभु की भजन में कोई लगा दे, एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज अन्न छत्र खोलने पर उसको जो पुण्य की प्राप्ति होगी, एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भजन में लगा दिया तो उससे अनंत करोड़ों गुण में ज्यादा पुण्य मिलेगी। बोले क्यों, इसको कपड़ा दे दो 2 दिन बाद फट जाएगी, खाना खिलाओ 2 घंटे बाद भूख लगने लग जाएगी, दबा दो क्या बीमारी नहीं आएगी, फिर तो जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकते रहोगे, लेकिन अगर जिसको प्रभु की भजन में लगा दिया भक्ति में लगा दिया, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जत गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम में जाने पर वहां से कभी वो वापस नहीं आएगा, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है, भक्ति में लगाओगे तो इतने महत्व है, ठीक है ना। इसलिए कथा सुना, हम सबके सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान को भूल गए सबके सब, हम भूले हुए भटकते हुए बच्चे, अगर कोई किसका बेटा घर छोड़कर चला गया पिताजी बड़े दुखी, अगर वो बच्चे को कोई ढूंढ करके पिताजी को पास में दे तो पिताजी कितना सुखी होगा। इसलिए हम सबके सब अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान की संतान हैं, भगवान को भूलने का वजह से संसार में भटक रहे हैं, अगर कोई अगर भूले भटकते हुए बच्चे को पिताजी के पास में ले आओ पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मैं उसको पर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ, ये सब जीव मेरे संतान है जो मेरे जीव को मेरे पास में ले आता है, मेरे भजन में लगा देता है, उसको पर मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ, ये कृष्ण गीता में कहते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कथा खत्म और अब भी खत्म हो गई, नहीं, इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब दूसरे बार आओ ना कम से कम 10-10 व्यक्तियों को लेकर के आओ, अभी 10 व्यक्तियों कैसे लेकर के आओगे, उनको समझाओगे तब तक लेकर के आओगे, उनको कथा सुनाओगे तब से लेकर के आओगे। अभी हम नवद्वीप धाम जा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम में नवद्वीप धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं,
हमारे यहाँ के जो भक्त लोग कितने सारे भक्तों को हैं, यहाँ से कितने सारे भक्तों को नवद्वीप धाम ले जा रहे हैं, भगवान के धाम दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों की कथा सुनना और दूसरों को भी जाकर के कथा सुनाना। हाँ देखो, ये एकादशी व्रत हम क्यों करें, इसमें क्या साइंस है, और मैं दो बार बता देता हूँ। यदि शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओगे वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन बीच बीच में अगर थोड़ी सी विश्राम देकर के चलाओगे, देखना वो मशीन बहुत दिन तक काम करती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, संडे छुट्टी रहता कि नहीं, कभी सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी रहती है, कोई ऑफिस में जाते हैं एक सप्ताह में छुट्टी रहता कि नहीं, जैसे दुकान करते हो छुट्टी होता कि नहीं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छुट्टी रहता कि नहीं, संडे को छुट्टी, बोले क्यों संडे को छुट्टी की, सात दिन पढ़े ना बच्चे, सात दिन बच्चे पढ़े ना, पढ़ाई पढ़ाई करेगा नहीं, वो पागल हो जाएगा। जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, जैसे सात पीरियड आठ पीरियड होता है, बीच में एक खल छुट्टी होता है, बोले खल छुट्टी क्यों होता है, ये ब्रेन एक मशीन है, अगर आधा घंटा खल छुट्टी हो जाए ना, बच्चे खेल कूद करके माइंड फ्री हो जाती है, फिर अच्छे तरह से पढ़ने लग जाते हैं। उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है, अगर ये मशीन को अगर कंटिन्यू बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे, फिर तो ये शरीर ज्यादा दिन तुम्हारी नहीं जाएगी, फिर ये खराब शरीर तुम्हारी खराब हो जाएगी, अस्वस्थ हो जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, देखो बीच बीच में इस शरीर को थोड़ा विश्राम दो, बल कब विश्राम दो, बल एकादशी जाते थोड़ी विश्राम दो, कम से कम दोपहर तक कुछ मत खाया करो, नहीं तो अगर रात तक नहीं खा सकते तो अच्छी बात है, अगर एक बार भोजन करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ी शरीर को रेस्ट मिल जाएगी, विश्राम मिल जाएगी। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, बोले भैया हम इसको एकादशी का दिन क्यों हम व्रत रखे, और भी तो सोम मंगल बृहस्पति और बहुत सारी व्रत है, हम दूसरे को ही व्रत रख सकते हैं, एकादशी का दिन ये व्रत क्यों रखेंगे। देखो ये चीज को समझो अच्छे तरह से, हम चाहूंगा अगली बार जब आऊंगा ना, एक एक व्यक्ति कम से कम दस दस व्यक्ति को प्रचार करके भक्त बनाना, ठीक है। कितने लोगों को भक्त बनाओगे, कितने लोगों को भक्त बनाओगे, हाथ उठाओगे कौन बनाओगे, कि यहीं पर कथा सुनते रहे छोड़कर चले जाओगे, यहीं पर छोड़कर नहीं जाओगे ना, अगली बार देखूंगा कैसे आप एक एक भक्त कैसे दस दस भक्तों को कैसे बनाकर मिलाएगा। बोले प्रश्न ही, हम एकादशी का दिन क्यों व्रत रखे, और भी तो कोई दिन व्रत रख सकते हैं। देखो उसमें क्या साइंस है, कहते समुद्र में एक हाई टाइड होता है, बोले जुहार भट्टा पानी उपरती है और पानी घटती है, यहाँ पर तो समुद्र नहीं, जो समुद्र को किनारा में रहते हैं उनको पता, बोले ये पानी उफनती कब, कभी एकादश से लेकर पूर्णिमा तक, बोले क्यों, बोले जो चंद्रमा की जो ग्राविटी, चंद्रमा ये पृथ्वी को कहती है और ये पृथ्वी चंद्रमा को कहती है, दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी को खींच नहीं सकती, इतनी बड़ी पृथ्वी खींच नहीं सकती, इसलिए चंद्रमा का जो प्रभाव ये पानी तरल है, पानी तरल है, इसलिए इसका प्रभाव ये पानी के ऊपर पड़ता है, इसलिए समुद्र में एकादश से पूर्णिमा तक चंद्रमा धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा बढ़ती रहती है, इसलिए पानी जितना चंद्रमा बढ़ती रहेगी पानी उतना उफनती रहती है, उफनती बड़ी बड़ी लहरें आती है, पूर्णिमा का दिन बड़ी बड़ी लहरें आती है समुद्र में बड़ी बड़ी, और पूर्णिमा के बाद में प्रथमा द्वितीय में धीरे 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 चंद्रमा जैसे घटने लगती है, पानी भी ऐसे धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। तो उसी तरह हमारा शरीर भी पांच चीज को द्वारा बनी हुई, क्या क्या पांच चीज बता दो, बताओ शरीर में पांच चीज क्या क्या है, बोलो बोलो, कोई बोल नहीं रहे चुपचाप, बोलो क्या क्या शरीर में, बोलो जोर से बोलो, इसी शरीर में पांच चीजें, मिट्टी वायु अग्नि आकाश और जल, ये पांच चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है इसमें जल, सबसे ज्यादा इसमें पानी, कम से कम 70-75% शरीर में पानी है, ये पानी होने का नाते आप लोग देख लेना, जिनकी घुटन में दर्द है, जिनकी कमर में दर्द है, आप लक्ष्य करके देखना, वो थोड़ी सी ज्यादा एकादशी में दर्द होगा, द्वादशी को और थोड़ा ज्यादा, त्रयोदशी को और थोड़ा ज्यादा, पूर्णिमा को इतने दर्द होगी सो नहीं सकते, क्यों, चंद्रमा का जो प्रभाव ये शरीर के ऊपर में पड़ता है। आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, देखना जो बीमारी लोग एकादश से पूर्णिमा तक ज्यादा बीमारी लोग आएंगे, आप किसी शमशान के पास में चले जाओ, देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक
जैसे चावल उस पांच जाते होता है, अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, चावल खाओ प्यास लगेगी, लेकिन फल खाओ प्यास नहीं लगेगी, फल खा प्यास नहीं लगेगी, पानी नहीं खींचेगी, लेकिन रोटी खाओ चावल खाओ पानी खींचेगी तो आपको प्यास लगेगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा देखे एकादशी का दिन फलाहार करने के लिए बताया, फलाहार में पानी को ज्यादा नहीं मांगेगी, जितना शरीर में पानी जाएगा चंद्रमा प्रभाव उतना पड़ेगा, उतना उतना बीमारी करने को। देखो मेडिसिन टेरामाइसिन क्रोसिन सीन 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 है ना, मेड इट सीन सीन मतलब पाप, दवा का नाम टेरामाइसिन क्रोसिन सीन 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 मतलब पाप है। बोले बीमारी क्यों हो रही है, बोले पाप की वजह से हो रहे हैं, ये पाप की वजह से सबके सब हो रहा है, इसलिए ये अन्न न खाने पर सबके सब पाप लगता है और इतने बीमारी होते हैं, ठीक है ना। इसलिए एकादशी का दिन अन्न में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या कहते सबसे बड़े बड़े पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते हैं, कहते सारे पाप से मुक्ति का मार्ग है, लेकिन एकादशी का दिन अन्न खाने पर कोई इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं, वो तुमको फल भोगतना ही पड़ेगा तुमको। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखना, एकादशी व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी के चरण में भक्ति प्रेम बढ़ती है। एकादशी मतलब ग्यारह से है, हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं, एकादशी का नियम है ये ग्यारह इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगानी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग और एक चीज है, जैसे एकादशी का दूसरे दिन व्रत खोलना होता है, वो पंचांग में समय दी रहती है, इतने समय को अंदर में व्रत खोल लो। व्रत खोल लो मतलब एकादशी का दिन जो चीज आप नहीं खाए, जैसे अन्न रोटी ठाकुर जी को भोग लगा करके ठाकुर जी को उसको खा लो, खाने से तुम्हारी व्रत खुल जाती है। कल हाँ सूर्य उदय को बाद में 10:30 बजे को अंदर में आप जैसे रोज जैसे खाना खाते हो रोटी सब्जी खाते हो, आप लोग उसको उसका अंदर में कुछ ना कुछ अन्न ग्रहण कर लेना, अगर ठाकुर जी को भोग लगा करें, अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद हो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है। इसलिए व्रत इसका अंदर में व्रत को खोल देनी चाहिए, ठीक है। बस एकादशी व्रत की जय जय श्री राम। हाँ देखो मैं हर साल एक कथा सुनाता हूँ, ये चार ही गौओं की कथा सुनाता हूँ, किसको याद बताओ तो राजा की चार ही गौएं थे, किसको ये याद है हाथ उठाओ तो, किसको याद है, किसको याद है, कौन बोल सकते हो याद नहीं, किस किसको जी याद है, यहाँ पर नहीं, हर साल सुनाते हैं उसको भूल जाते हैं। देखो 2 मिनट में इसको सुना देता हूँ, अब अच्छे तरीके से सुन लो और कथा के बाद में फिर मैं आपको मैं पूछूंगा, अगर जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा और जो नहीं बोल पाएगा बीच में खड़ी कर दूंगा। अच्छे तरह से सुनो इसको, ध्यान देकर सुनो। कहते एक राजा के चार ही पत्नियां थी, कितना रानियां थी, चार। जो सबसे जो बड़ी रानी थी राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी वो सबसे सुंदर थी, राजा जब नगर घूमने जाता था उसको बड़े सुंदर सजा धजा करके रथ में बैठा करके वो दुनिया को दिखाया करता था। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी, राजा जब महल में आता था उसी प्यारी, लेकिन जब से उसको घर से उसने शादी करके लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखे, कभी पूछा भी नहीं साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। अभी राजा का मरने का समय आया, उसने सोचा मेरे चार चार रानियां इनसे प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक साथ देती है। सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, अब लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी, वो तो बताओ बड़ी रानी कौन थी, अब इतने जल्दी अगर भूल गए बाद में कैसे याद रह जाएंगे, बताओ बड़ी रानी कौन थी, बोलो जोर से बोलो। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जो जो चीज मांगती थी राजा उसी समय में ला करके देता था, ये सबसे बड़ी रानी थी। राजा पूछा तू मेरे साथ में चलोगी, बोले एक कदम भी मैं तेरे साथ में चलने वाली नहीं, बोले क्यों, बोले तेरे लिए जो इतना की बोले तेरे कर्तव्य था, बोले तेरी बोले मेरी भी कर्तव्य था। अभी दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी, सबसे सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, बोले तू चलोगी,
बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रही हूँ तू कब मरोगी, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले शादी क्यों करोगे, बोले देख मैं कितने सुंदरी, बोले है तो तू सुंदरी, बोले मैं जहां जाऊंगी मेरे को वही पसंद कर लेगा। उसको तो और कष्ट मिला। अभी तीसरी नंबर रानी से पूछा, तीसरी रानी कौन थी जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, बोले तू क्या करोगी, वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले मैं तो चलूंगी लेकिन दरबार तक मैं चलूंगी, बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम तो चलूंगी लेकिन तेरे साथ नहीं चलूंगी, बोले तू भी किसी काम की नहीं। लेकिन चौथी नंबर से पूछा, चौथी नंबर कौन थी राजा जिसको जीवन में कभी उसको पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया, उससे जब पूछा साथ में चलोगी, लेकिन वही केवल राजी होती है साथ में चलने के लिए। कभी ये कथा का सार क्या है, इसमें शिक्षा क्या है? पहला नंबर, जिसको राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, अभी भी हम जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो जिस समय जो चीज की मांग करती है उसी समय में ला ला करके देते हैं, लेकिन मरते समय ना एक कदम भी साथ में नहीं चलेगा, लेकिन उसी के लिए जीवन दे रहे हैं। वो कौन है? जोर से बोला, जोर से बोला। कभी ये शरीर है, अपनी आप को, ये शरीर हमें जिस समय जो चीज मांगती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलोगे, बोले चलो सजा करके लाएगी, बोले गोलगप्पे खाओगे, बोले चलो गोलगप्पे खिलाएंगे, बोले ऐसे साड़ी पहनोगे, बोले साड़ी ऐसे पहनाएंगे, हैं? बोले चवन प्रास खाओगे, बोले चवन प्रास खिलाएंगे। देखना शरीर जिस समय जो चीज मांग करती है, हम जो कुछ क्यों करना पड़े उसको इच्छा पूरी करते हैं। अंतिम समय में पूछा साथ में चलोगे, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, जब शरीर छूट जाए, जिस शरीर को इतने हमने इज्जत की, खिलाया पिलाया, शरीर यही कहीं रह जाएगी। अभी दूसरी पत्नी आई जो सबसे सुंदरी, बोले सबसे सुंदरी कौन है? कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये सबसे सुंदरी, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ होता ही नहीं। हाँ, सबको पैसा रहेगा तो बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे। उससे पूछे साथ में चलोगी, बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। मतलब क्या है, ये शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों का पहले नजर कहाँ रहता है, पिताजी का कितने दुकान मकान प्रॉपर्टी, कहाँ एटीएम कार्ड, कहाँ पर कितने बैंक बैलेंस, उनका नंबर, उनका नजर वही रहता है। इसलिए शरीर छूटते ही वो दूसरों के साथ में शादी कर लेती है, दूसरों नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, वो भी साथ में नहीं चलती, फिर वही उसको भोग करता है। तीसरी नंबर आई राजा जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, कभी ये कौन है? बोले परिवार वाले। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी, बोले आगे, बोले आगे नहीं चल सकता हूँ, बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना है, दरवाजे तक चलना थोड़ी चलना है, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम बढ़ूंगा लेकिन साथ में नहीं चलूंगा। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाऊंगा और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक ले जाएंगे और वहीं पर जला करके टाटा करते करते वापस आ जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे नहीं चलेंगे। हाँ देखो चौधरी राज की कथा सुना, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निकले निकले बेकार किसी काम में नहीं, लेकिन अंतिम समय में वही केवल काम में आया। कहते वो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा हम निगलेट करके बेकार करके मांग कर रखे? कहते भगवान की भजन, भगवान की नाम। अगर बोले प्रभु का थोड़ा नाम जप करो ना, और जिसका कोई काम धाम नहीं वही माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारा तो बहुत सारी काम है, बहुत सारी काम, गप्पे मारेंगे, घूमेंगे, सीरियल आ रहे हैं, टीवी देखेंगे, लेकिन एक माला करो बोले समय नहीं। बोले भैया जो कुछ कर लो, अंतिम समय आएगा तो लोग यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने हरि का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, वही जा रहा है, और जो कुछ तुमने जीवन में किया है सब नहीं रह गई, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जा रही है। पत्नी दरवाजा तक, परिवार शमशान तक, उसको आगे कोई नहीं जाएगा, आगे केवल जाएगी जितने माला तुमने जपी हो। ठीक है ना,
आप लोग बताओ तो कौन सा रानी को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं? बोलो, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। चार रानियों में सबसे ज्यादा कौन सा रानी को प्रेम कर रहे? बोलो जोर से। किसको? भगवान के नाम को, ठीक है ना? इसलिए भगवान नाम यही धन ही। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे आपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए प्रभु का नाम बन जाएगी, ठीक है ना? आज कुछ लोग तो माला लेकर गए, अभी जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करके आप लोग कल आ जाओ, ठीक है? हम पास में रहते माता जी घर में, 8 बजे सवेरे कल आ जाना और माला लेकर के जाना। माला के लिए कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर आप लोग प्याज लहसुन छोड़ दोगे, आप प्याज लहसुन मांस मछली तो नहीं, प्याज लहसुन छोड़ दोगे, पर हम तुलसी माला देते हैं। लेकिन जो बोलेगा नहीं, इतने जल्दी नहीं छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। प्रभु की माला जप करते करते अपने आप जो चीज छूट जाते हैं, अपने आप चीज छूट जाते हैं, ठीक है? जिनकी इच्छा होगी माला जप करने के लिए कल आकर माला लेकर जाना, ठीक है? अभी हमारे जीत प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, उसको बाद एक माला जप करेंगे और उसको बाद में प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखो अनाउंसमेंट भी है, प्रार्थना भी है। आप लोग बहुत सज्जन व्यक्ति है, यहाँ पर आते हैं, 3-3 घंटे कथा बैठते सुनते भी हैं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जितने भक्त लोग यहाँ पर हैं, देखो ये जो हम प्रसाद बनाते हैं ना, ये जो प्रसाद आप लोगों के लिए बन रहा है, ये प्रसाद एकदम से तैयार नहीं हो जाता। इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, आलू हो, आटा हो, मिर्च हो, दाल हो, मसाले लेके आते हैं और फिर इसको बनाते हैं। बनाने के बाद भी इसको हम भगवान को भोग लगाते हैं और फिर बांटते किसके लिए? आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि सबको प्रसाद मिले। हम इसको बनाकर घर ले जाने के लिए नहीं, सिर्फ आप ही लोगों के लिए बांट रहे। तो मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, रोज की रोज मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ माताओं से, प्रभु लोगों से, ये जो हम व्यवस्था आप लोगों के लिए देने के लिए कर रहे हैं, परंतु इतना धक्का मुक्की करते हैं, बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चों को लाइन में लगाते हैं, वो गिर जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, माँ जो भी बच्चे माँ अपने साथ लाइन में लगाए, या बच्चों को ना लगाए, माँ खुद लगे, कोई हादसा होगा तो बहुत असुविधा होगी। दूसरी बात, लाइन में लग जाए, जब इतना 3 घंटे आपने धैर्य रखा, 3 घंटे से बैठे, तो आधे घंटे में सबको प्रसाद मिल जाता है, परंतु वो ही नहीं हो पाता। इतना धक्का टेबल को पलट देते हैं, भगवानों को पलट देते हैं। इतने अच्छे व्यक्ति आप लोग, पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार, मेरी प्रार्थना है कि किसी को असुविधा है, लाइन में लग नहीं सकते, मानो पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, तो लाइन में ना लगे, यहाँ बैठ जाए और मेरे से बोलते, प्रभु जी हम लाइन में लग सकते, तो हम लोग आपको ला के दे देंगे। कल एक माता जी लाइन में थी और उनको किसी बच्चे ने बोल दिया, माँ माता जी लाइन में लग जाओ, तो पत्थर मुंह पे फेंक के चले गए कि लोग अपने आप ही। तो ऐसा आप लोग नहीं करो, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग हमारी प्रार्थना है, तो बुरा ना माने कि आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोगों को सबको प्रसाद दो। और दूसरी की बात, जैसे कथा में बहुत सारे भक्त लोग हैं, मैंने बताया जैसे कि प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं, सबके लिए प्रसाद भी देते हैं और सबसे बाद में प्रसाद पा के जाते देने वाले लोग, मतलब सबके, जितने भी यहाँ पर 500 लोग 400 लोग बैठे हैं, सबको खिलाएंगे भी, और जो हमारी टीम है, प्रसाद बांटने वाली टीम है, वो सबसे बाद में पाती है जब सब लोग चले जाते हैं, 8, 9 बजे, 10 बजे, 11 ही बज जाते हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है, आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए। और दूसरी बात, वहाँ पर व्यवस्था है, प्रसाद वहाँ पाएंगे तो अच्छा है, पर कुछ भक्त लोग क्या करते हैं,
सभी लोग पूरा झूठा कर देते पंडाल में, जहाँ कथा होती है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। चलो पत्थरों से खा लिया कोई बात नहीं, फिर यहाँ ही पत्थर भी नहीं उठा पाते, पत्थर भी यहीं छोड़ जाते हैं, हमारे भक्त लोग बाद में सेवा करते हैं। कम से कम पत्थर तो आप उठा के बाहर में डस्टबिन में डाल सकते हैं, कोने में रख सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है जो भी प्रसाद पाएंगे कम से कम पत्थरों को एक साइड में आप हम लोग रखेंगे, इसके लिए आप क्षमा करना किसी को बुरा लग रहा है तो। और कल हमारे जो प्रसाद की जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जो जो लोग दे रहे हैं हम उन लोगों का अनाउंसमेंट करते भी हैं। कल हमारे अनिल गोयल जी एडवोकेट जी आए थे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया तो हम उनका नहीं कर पाए थे। आज के प्रसाद की जो व्यवस्था है ये बैठ कलाए महाराज जी से मिले और बहुत अच्छी अच्छी बात इन्होंने की। हर बार आते हैं, हर भागवत में हर साल आते हैं और हमें प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं। तो अनिल गोयल जी एडवोकेट जी आए हैं, कथा भी सुनी है, बैठ के आगे ही बैठे हैं। मेरी इनसे प्रार्थना है आरती के समय महाराज जी आएंगे और आशीर्वाद को लेंगे और इसी प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहें। हम उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं भागवत जी के चरणों में इनके परिवार को सुख दे, शांति दे, आनंद दे और भगवान की भक्ति इनको दे। और जो अनिल गुप्ता दाल वाले, इन्होंने कल परसों में दाल दी थी, इनका भी अनाउंसमेंट हम कर नहीं पाए थे। अनिल गुप्ता दाल वाले हैं, ये इन्होंने भंडारे की व्यवस्था की है और कहीं बैठे हो तो बाद में आएंगे आरती में, आरती करेंगे और महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और जो सुधा देवी है, अजय द्विवेदी है, मैंने कल भी इनका नाम लिया था, वो आ नहीं पाए किसी कारण, बोले कि नाम नहीं सुन पाया, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा सेवा किया था। सुधा देवी, अजय द्विवेदी, ये भी आएंगे और महाराज से आशीर्वाद लेंगे। आज का जो प्रसाद है, आज का प्रसाद है ये जो अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल गुप्ता जी दाल वाले, जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की, स्टेज पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जो आज के प्रसाद की व्यवस्था की अनिल गुप्ता जी वो आएंगे। और ये मटका जब मटकी फोड़ेंगे ना, मटकी फोड़ेंगे तो यहाँ से चारों तरफ से हट जाना, ये लग सकती है किसी बच्चे को, हटा देना, चोट लग सकती है, और धीरे से फोड़ना। इसमें प्रसाद निकल जो बरसेगा उसको जमीन पे ना गिरा, टोक को नीचे रख दो, टोकरी उसको उठा लेना नीचे। अनिल गुप्ता की दाल वाले आरती के समय में आ जाएगा। हरी बोल हरी कृष्ण, अपन को ही बुला आठ भक्त, आठ भक्त पकड़ लेते हैं, आठ भक्त को बुला के माला जी। अनिल एडवोकेट जी भी आप ही आ जाइए, महाराज जी बुला रहे हैं, आप भी स्टेज पे आने। आप बच्चे जो जो मटकी फोड़ने के लिए कृष्णा बने आ करके आप लोग मटकी फोड़ो। बोलो ये बच्चों को नीचे हटा दो, छोटे छोटे बच्चों को, बाल बच्चे मानते हैं। राधे बोलो वृंदावन विहारी राधे की जय, माखन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। सखी रात सा सपने में आए, अरे धैया पी गए हमारी, धैया पी गए सारा रा 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 Thank you.
थोड़ी सी आज एकादशी है ना, एकादशी का बड़ा महत्व है। अगर आज एक माला कोई करेगा तो 100 माला करने का फल है। आज एकादशी भागवत कथा में एकादशी बड़े भाग्य से एकादशी आती है। दो चार मिनट बैठ जाओ, थोड़ी सी नाम जप करते हुए फिर हम कथा में विस्तार करेंगे, फिर आरती फिर प्रसाद। सबके साथ बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, और मेरे साथ में माला तो इतना है ही नहीं, मेरे साथ में केवल 5 मिनट है काम कर, ठीक है? आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में हम बैठे हैं, बैठ करके ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं। हम यहाँ अगर समझो 500 भक्त लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये माला तो एक ही करोगे, लेकिन 500 माला करने का फल मिलेगा, क्योंकि सभी का नाम सबके कान में जाएगा, और सबके सब करना, जो करेगा उसका पाप उड़ जाएगा, लेकिन कहाँ बैठेगा जो करेगा नहीं, इसलिए सबके सब मेरे साथ में बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में जप करते रहो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब सब करो, ये तो जो नहीं करेगा उसको पर सारे सांप चल जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण ठीक है। वो जी प्रभु जी जो प्रसाद देते हैं अगर दो जगह पर अगर दे तो जल्दी जल्दी हो सकती है, वो प्रसाद अगर दो जगह में करते दो लाइन में बहुत जल्दी हो सकते है। देखो आपस में बात दो लाइन है ना, दो लाइन सब ठीक है, एक लाइन में माताओं को एक लाइन में भैया को चला तो जल्दी जल्दी हो जाएगी ठीक है। अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे, आप सबके सब खड़े हो जाओ और भजन में सबके सब नृत्य करना और आरती प्रसाद लेकर सबके सब जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय